इसमें याद रखिए आप लोग, फिजिक्स में आपका साइंस टेक भी कवर हो जाएगा और कंप्यूटर भी आपका कवर हो जाएगा, इसलिए थोड़ी लंबी क्लास होगी। एक बात हमेशा याद रखिए, ठीक है, कंप्यूटर भी इसी सब में सम्मिलित कर दिया जाएगा, और आपका साइंस टेक जो अलग से आप पढ़ते थे कई बार कई जगह, तो उसे भी इसी में कवर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग केमिस्ट्री देख चुके हैं और आपका बायोलॉजी को पूरी तरह से खत्म कर चुके हैं। याद रखिए, आज बात करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में। और याद रखिए, ये जो बुक्स ली जा रही हैं, ये आप देखेंगे कि रिवीजन के पॉइंट व्यू से आती हैं आपकी, कि जब आपके पेपर के लिए 15 से 20 दिन बचे हुए हैं या 1 महीना बचा हुआ है, तब आपको कहा जाता है कि आप सबसे कई बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो इतना मटेरियल दे चुका हूँ, ठीक है, लूसेंट पूरी कवर करवा दी है, किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर करवा दी है, और आपका देखा है ना आपने कि आपकी जो NCERT है उन्हें भी कवर करवा चुका हूँ, कई तरह का एक तरह से मटेरियल भी दे चुका हूँ आपको, हजार हजार के करीब क्वेश्चंस लगवा चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट सूची में जाकर सब कुछ देख सकते हैं, और PDF के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और वहां ज्वाइन कर लीजिए, मुझे वहां से डाउनलोड करते रहिए। मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि GS में आपका मटेरियल आपको कम नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि छूटा है कुछ तो आप मुझे SMS कीजिए, मैं कहीं से भी लाकर आपको उपलब्ध कराऊंगा, मेरी हर संभव कोशिश रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने कहा था कि किरण सामान्य ज्ञान बुक्स कवर करनी है और कई जगह नहीं मिल रही है, तो मैंने उसी दिन मंगवाई, आपने देखा, और मैंने कवर करवा दिया उसे, वरना मेरा उद्देश्य कोई उसे बुक को मंगाना नहीं था, बस कुछ बच्चों ने कहा कि वो बुक्स नहीं मिल रही मुझे, ठीक है। तो ये सभी आपके, फिर चाहे रिवीजन के लिए, फिर चाहे SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या MPPSC, UPPCS, बिहार PCS, स्टेट PCS में जो भी एग्जाम होते हैं, और आप देखते हैं जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये पॉइंट आपके बात वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तरह से आप कह लीजिए कि फिजिक्स का पूरा निचोड़ है, जो हम विस्तार में पढ़ते हैं उसका एक निचोड़ है, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं के लगभग आपके लिए जरूरी है, और लास्ट में आपको यही देख के पेपर देने जाना है, ठीक है। बस मैं इतना ही करूंगा, कहूंगा कि वो दिमाग में आप लोग कभी आप पढ़ते हैं किसी भी पॉइंट को, तो उसे अपने दिमाग में सोच लिया करिए, इससे इससे किस कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह का क्वेश्चंस बन सकता है, क्योंकि हम देख लेते हैं कि विस्तार से हम लोग बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन हम उनके क्वेश्चंस पकड़ना नहीं सीख पाते। इसीलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि बुक से पढ़िए आप लोग, लेकिन उस बुक से संबंधित, या जैसे आपने भौतिकी पढ़ी यानी कि फिजिक्स पढ़ी आपने, तो उससे कम से कम 2 से 3 हजार क्वेश्चंस लगा लीजिए, क्योंकि 1000 बुक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन 1000 क्वेश्चंस लगाने से आपको काफी फायदा होगा। और आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करें उसके 4 से 5 साल के क्वेश्चंस पेपर भी लगाते रहिए, ठीक है। चलिए जानते हैं हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रमुख तत्वों के बारे में। मात्रक देखते हैं, मात्रक की इकाई। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक आपको देखने को मिलेगा, शक्ति का मात्रक क्या है ये आपको देखने को मिलेगा, वाट। क्या है? वाट, वाट। बल का मात्रक ये आपका न्यूटन देखने को मिलेगा, क्या? न्यूटन। शक्ति का मात्रक वाट, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, ये आपके वनडे एग्जाम में सामान्यतः देखा जाता है कि पूछ लेते हैं, कार्य का मात्रक क्या है? जूल। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है ओम मीटर, क्या है? ओम मीटर। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है, यह दूरी की, किसकी? दूरी की। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, उसे हम लोग प्रकाश दूरी कहते हैं। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष, 3.25 प्रकाश वर्ष, ठीक है। आगे आपका पारसेक मात्रक है दूरी का, किसका? दूरी का। माप की वह इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, यह है आपकी सेंटीमीटर, क्या है? सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी, किस तरह से? ये आपकी 1 183 × 10^7 नैनोमीटर से इसे बदला जा सकता है। 1 नैनोमीटर होता है कितना? 10^-7 सेंटीमीटर, 10^-7 सेंटीमीटर, ठीक है। एम्पियर की इकाई है
एम्पियर की इकाई है किसकी? विद्युत धारा मापने की, विद्युत धारा मापने की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उत्पादित की जाती है। आप लोग सुनते रहे नहीं रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये भौतिक राशियां है, ये इकाई है आपकी। त्वरण मीटर प्रति सेकंड, बल न्यूटन, कृतकार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम में, दाब पास्कल में। अब आपसे क्वेश्चन सिविल सर्विस की अगर बात करें, क्वेश्चंस पूछने की या स्टेट पीसीएस की, तो आपको चार ऑप्शन इस तरफ दे देगा, चार ऑप्शन उस तरफ। आपसे कहेगा कि सही सम्मिलित करना है आपको, और बल की जगह आप सोचिए जूल दे देगा इसकी जगह न्यूटन की जगह, और किलोग्राम की जगह न्यूटन प्रति सेकंड दे देगा। समझ रहे हैं आप लोगों को सही सम्मिलित जोड़ियां बनानी होती हैं, और नीचे चार ऑप्शन दे देगा कि एक तीन से मेल खाता है, दो एक से मेल खाता है, इस तरह से आपको समझना है। ये भी आपको बस सही सम्मिलित है, आपको बस याद रखना है। इकाई हो गई और एक प्राचल हो गई। बॉट शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है, कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। अभी तो कहते हैं कि इतनी ऊष्मा की कैलोरी की जरूरत होती है जब व्यक्ति काम करता है, बच्चे के लिए इतनी कैलोरी, समझ रहे हैं, उसी की बात। सही सम्मिलित करना है आपको। जूल कारिका, एम्पियर धारा, वॉट सामर्थ, वोल्ट विभवांतर, ठीक है, याद रखिए। ये भी सम्मिलित है आपके। नॉट जहाज के चाल की माप, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, और प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई, दूरी मापने की इकाई। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग जाके वहां पढ़ लें, ठीक है। यहाँ केवल आपको वही पॉइंट बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या पूछने की पूरी संभावना है, एक तरह से निचोड़ है। यहाँ समझाने वाला मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको जरूरत है, जो पढ़ेगी वो समझाता जाऊंगा और निकलता जाऊंगा, काफी समझा चुका हूँ, ठीक है। ज्यादा अगर आपको लगता है कि विस्तार से पढ़ना है तो एनसीईआरटी कवर की करवा दी गई है, उसे जाकर देख सकते हैं। एक हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर में होते हैं कितने? 746 वॉट, 746 वॉट सम्मिलित हैं आपके। बस आपको याद रखना है, उच्च वेग मेघ, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा जूल, ये इसके एक तरह से इकाई है, ठीक। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। इकाई का मतलब आप सोचिए, सीधा सा मतलब है कि आप लोग किलोग्राम में भार को किस तरह से नापते हैं, किलोग्राम में, समझ रहे हैं, गैस को कैसे मापते हैं आप लोग, गैस के लिए अलग तरह से बना देते हैं उसे नापने के लिए, बिजली को आप लोग अलग से कोई इकाई बनाते हैं, ऐसा नहीं कह देते हैं कि 1 किलो बिजली दे दीजिए, ठीक है। अपनी सुविधा अनुसार, 1 माइक्रोन बराबर होता है, माइक्रोन बराबर होता है 1/1 आपका 1/1000 मिलीमीटर, 1000 1/1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10^-4 सेंटीमीटर की लंबाई, 1000। सम्मिलित करना है आपको। डेसीबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, सेल्सियस ताप मापने की इकाई, कैलोरी किलो कैलोरी किलो जूल, और वॉट में से ऊष्मा की इकाई कौन सी है? ऊष्मा की इकाई नहीं है तो आप जानते हैं वॉट नहीं है, क्या है? वॉट नहीं है। और बाकी आप देखेंगे कि जो आपका किलो जूल भी है, कैलोरी भी हो, किलो कैलोरी भी है, ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य होता है 1000 यानी कि 1000 मिली सेकंड। 1 पिको ग्राम बराबर होता है 10^-12 ग्राम की। पारिस्थितिक दबाव की इकाई है बार, क्या है? बार। 1 किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर का दाब समतुल्य है 1.0 बार के बराबर। तेल का 1 बैरल होता है लगभग आपका 169 लीटर, इसे याद रखिए, इसे कई बार आपका पूछ लिया जाता है। आप जानते हैं कि आपने देखा होगा कि जब कहा जाता है कि इतने डॉलर प्रति बैरल मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब कि 1 बैरल में आपका देखने को मिलेगा आपको कि 169 लीटर आएगा, ठीक है, जब आप कच्चा तेल खरीदते हैं ना विदेशों से, अन्य देशों से, तब इस तरह की माप की बात की जाती है। लंबाई की अगर न्यूनतम इकाई की पूछी तो फर्मी मीटर,
ये न्यूनतम इकाई है, फर्मी मीटर। ये सम्मिलित है, आपको बस याद रखना है, क्यू से प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता मापते हैं, बार दाब। क्यू सेक में मापा जाता है, क्यू सेक में क्या मापा जाता है, जल का बहाव, जल का बहाव। नॉट, डॉब्सन, प्रोबोज और मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है, तो याद रखिए है डॉब्सन। याद रखिए वायुमंडल के जो ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, डॉब्सन से मापी जाती है। ठीक है, अब ये आपके कुछ मापने वाले यंत्र हो गए और पैमाने हो गए, इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है, महासागरों में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का। किसका, सोनार का, यानी कि जो महासागर में कोई वस्तु खो जाए, डूब जाए, उसका पता लगाना है तो किसका उपयोग करेंगे, सोनार का। सोनार का प्रयोग, सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, सोनार में हम उपयोग करते हैं परासरब तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। क्या, ऑडियोमीटर, आप एक तरह से कह सकते हैं ऑडियो, समझ रहे हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला। इस तरह से आप लोग एक ट्रैक बना लीजिए अपने दिमाग में ही और आप लोग याद रख सकते हैं। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है किसका, पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वैन में से वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से। किससे, एनीमोमीटर से। ये आपके सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है, क्या रखना है याद, एमीटर विद्युत धारा मापते हैं, टेकियोमीटर इससे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन किया जाता है, पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है किसमें, उच्च ताप के मापन में, उच्च ताप का मापन करना है तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं, ताप विद्युत तापमापी और विकिरण तापमापी, गैस तापमापी और द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है किसे, विकिरण तापमापी को, विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु तो उपयुक्त हो वह है, यह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाई रहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं, मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप, गैसों के दाब की माप किससे की जाती है, मैनोमीटर से, मैनोमीटर से। ठीक है, ये आपकी सम्मिलित है, आपको बस याद रखना है, उपकरण है, यंत्र है और मापने की राशि हो गई। हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं आप लोग, स्पेंग पुतला इससे भार मापते हैं। ठीक है, ये भी सम्मिलित है, बस आपको याद रखना। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र होता है, कौन, ऑडोमीटर, आप देखते हैं जो भी गाड़ी लेते हैं आप लोग उसमें लगा रहता है। ऑन्डोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है आपका ऑन्डोमीटर। ऑडियोमीटर की अगर बात करें तो ध्वनि तीव्रता मापने युक्त मापन मापक युक्ति है ये। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर। इसका, बैरोमीटर का साधारणता बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। किसका, पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है किससे, लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से। ठीक है, याद रखिए दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं आप लोग, लैक्टोमीटर। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति काम करता है। ठीक है, अब है आपका सही सुमलित कीजिए, स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि सुनने के लिए उपयोग होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्तचाप मापने के लिए आप लोग उपयोग करते हैं इसका, ये कई बार पूछ लेते हैं, कैरोटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए, कैरो आप कैरेट भी कहते हैं इसे, लक्स मीटर विकास की तीव्रता मापने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, रक्तदाब नापने का यंत्र का नाम क्या है, स्फेग्नो मैनोमीटर। ठीक है, ऐसे याद रखिए, रडार उपयोग में आता है किस लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में हम लोग रडार का उपयोग करते हैं। हिम नदी की चाल जनसंख्या वृद्धि
भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। क्या? भूकंप की तीव्रता। ठीक है, रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है क्या? भूकंपीय तरंगे, तरंग लहरों का आयाम। ठीक है, ये आपके सम्मिलित रखना है, बस आपको याद रखना। सेल्सियस से क्या मापते हैं? ताप। किलोवाट से क्या मापते हैं? विद्युत। और RH गुणक से क्या? रक्त। रिएक्टर पैमाना से भूकंप। इस तरह के आपके क्वेश्चंस बता रहा हूं कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग उठा के देख लीजिए, 4 से 5 साल के क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। UPPCS, MPPSC और सिविल सर्विस के तो मैंने कवर करवा दिए थे, सभी क्वेश्चंस पेपर आपके सॉल्व करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। क्या है? सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। यह है आपका सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को। ये सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। भूकंप, सिस्मोग्राफ, ऊंचाई, अल्टीमीटर, प्रतिरोध, ओम। ये भी सही सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। फैदोमीटर से क्या करते हैं? समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। ठीक है, फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। फैदोमीटर का आप लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भी सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। सिस्मोग्राफ भूकंप मापता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब मापता है आपका। ठीक है, ये भी आपका सम्मिलित है। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? दाब। कार्बोरेटर से क्या मापते हैं? आंतरिक दहन इंजन। कार्डियोग्राम से क्या मापते हैं? हृदय गति। सिस्मोमीटर से क्या मापते हैं? भूकंप तरंगों की तीव्रता। भूकंप तरंगों की तीव्रता। और फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है किस लिए? ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापने में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? पॉलीग्राफ। इसे भी याद रखिए, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या है? पॉलीग्राफ। अब बात कर लेते हैं हम लोग यांत्रिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं, जो आपके क्वेश्चंस के लिए या परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से संबंधित तत्व रहेंगे। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी। कैसी होगी? घटेगी, घटेगी। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। यह भी क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग बल और आयतन में से सदिश राशि नहीं है, तो याद रखिए आयतन आपकी सदिश राशि नहीं है, बाकी विस्थापन वेग बल या की सदिश राशि है और आयतन सदिश राशि नहीं है। अब आपसे एक क्वेश्चन दे देगा बना के कि इनमें से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो चार ऑप्शन में आपको विस्थापन दे देगा, वेग दे देगा, बल दे देगा, आयतन। तो आपको पता लगाना होगा क्योंकि विस्थापन वेग बल सदिश राशि है लेकिन आयतन सदिश राशि नहीं है। ठीक है, समय, चाल, विस्थापन, दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। ठीक है, संवेग दाब, ऊर्जा तथा कार में से सदिश राशि है संवेग। क्या है? संवेग। संवेग पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह क्या है? द्रव्यमान। बल गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप इकाई में है कितनी? 6। कितनी? 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है, तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। कैसी? गतिज।
वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह कौन सा है? गतिज ऊर्जा। कौन सा? गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़, स्थिरता का जड़त के कारण ऐसा होता है। कथन, अब देखिए सिविल सर्विस में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं इस तरह के। एक पूर्णता घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी अपने को गति में ला सकता है। बिल्कुल सही है। कारण आर, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता है। यानी कि इसमें आपके दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन कथन आपके कथन और कारण दोनों सही है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आप एक तरह से कहिए कि घर्षण के कारण ही हम लोग चल पाते हैं, वाहन भी चल पाते हैं यानी कि दौड़ते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उस चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। कैसा होता है? घर्षण कम हो जाता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है कितना? 10 गुना। 10 गुना, ठीक है। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो क्रमशः एक्स वाई और जेड दूरी पर रुकते हैं तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड, ठीक है, तीनों बराबर। फिर आपका एक व्यक्ति कार में जो ब्राम में बैठा हुआ है, सड़क से कार के चार पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। आर से क्या होगी? कम होगी। तेल से अस्था भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ है क्या है? परवलयी का बक का आकार लेगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सिविल सर्विस में ही देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहिए पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से सही कथन क्या है? तो इसमें दो और तीन, अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, दो और तीन आपका बिल्कुल सही है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिए। अब बात कर लेते हैं कुछ गुरुत्व के अधीन गति, इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी रहेंगे। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, यानी कि न्यूटन से पूर्व भी किसी व्यक्ति ने बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं यानी कि आती हैं खिंचती हैं, तो ये थे ब्रह्मागुप्त। कौन थे? ब्रह्मागुप्त। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो किसने दिया? आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया है किसने? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्व क्या नहीं होता है? गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोग काफी पढ़ते रहते हैं। पीसा कि झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती? झुकी हुई है फिर भी नहीं गिरती है क्योंकि आप देखेंगे गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है, इस कारण से वो नहीं गिरती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता
अब जितना उसका चौथा भाग, यानी कि अभी जितना है उसका चौथा भाग होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। कैसा? अपरिवर्तित। आप छत से 1 किलो का वजन का कोई सामान गिराइए, ऐसा तो है नहीं कि उसका भार बदल जाएगा, 1.5 किलो हो जाएगा या 500 ग्राम बचेगा। समझ रहे आप लोग? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह कौन सा है? सभी साथ साथ पहुंचेंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, पहले लोहे की गेंद नीचे आ जाएगी। जिसमें जितना वजन होता है उसी हिसाब से नीचे आती है। आप समझ रहे हैं? गुब्बारे को आप लोग ऊपर से छोड़िए, आप 1 किलो कुछ सामान गिराइए भार वाला, तो आप देखेंगे वो पहले आ जाएगा। एक छोटी सी कील को गिरा के देखिए आप। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम की हैं, उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है, तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है। कथन, कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कथन सही है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसमें कथन ये सही है। किसी पिंड का भार है ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, देखने को मिलता है। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय टी में विस्थापन डी का वितरण प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र है, ये है आपका, देख लीजिए डी टी। इसे भी देख लेते हैं। एक चिकना आनत तल क्षितिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है कि एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है, अधस्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय कितना है? यह है आपका 1/sin θ √2hg। ठीक है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा, क्या होगा वेग? ये होगा आपका 29.4 मीटर प्रति सेकंड, 29.4 मीटर प्रति सेकंड। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1 प्रतिशत से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान यानी कि गुरुत्व का मान क्या होगा? 2 प्रतिशत बढ़ जाएगा। ये 2 प्रतिशत क्या होगा? बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है, क्या होता है? ये आपका 980 सेकेंड प्रति स्क्वायर सेट सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम ही। फिर आपका भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। भारहीनता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति होती है। इसे भी देख लीजिए आप लोग, सुमिलित हैं, बस आपको याद रखना है। रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थे, एक्सरे डब्ल्यू के रोंटजेन, चेचक एडवर्ड जेनर। ठीक है। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य होती है, इसलिए हम लोग अनुभव से नहीं कर पाते। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे भी देख लीजिए क्वेश्चंस को। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा किंतिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है। इसलिए वो अपनी जो भी गति कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, वो बना रहता है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला
बाली गुरुत्वाकर्षण से अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। ठीक है, प्रकृति के ज्ञात बलों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल कौन सा है? आप देखेंगे गुरुत्व सबसे प्रबल देखने को मिलता है। किसी लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को अपना भार अधिकतम मालूम पड़ता है। जब आप देखेंगे लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही होती उस समय देखने को मिलता है। इसे भी देख लीजिए, लोलक की काला होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, किसी पर लंबाई के ऊपर। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई उस समय बढ़ जाती है गर्मियों में। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर पेदोल आवर्त कम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा आपको। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये बिल्कुल सिविल सर्विस का क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमाने फिराने वाला। एक सामान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तुरंत शून्य होता है। बिल्कुल सही है, हम आवर्तन में गोलक दो बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। बिल्कुल सही है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति उत्तरण दोनों शून्य होते हैं। ये आपका गलत है। सामान दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। ये भी आपका सही है। एक दो चार सही है, इन कथनों में से सही कथन चुनना है तो एक दो चार रखेंगे। या तो आप लोग पहले जब भी सिविल सर्विस में क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होते हैं प्रीलिम्स में, तो बड़े ध्यान से आप लोग इस पॉइंट को पढ़ा करिएगा। और आपको सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसे पढ़ सकते हैं जैसे भी आपको सूटेबल लगे, ठीक है? क्योंकि आपसे अगर पूछ लेता कि सही नहीं है, इनमें से सही नहीं है, तो आप केवल तीन लगाते, समझ रहे? आपसे पूछा सही है तो एक दो चार लगाया आपने, तो इससे भी आते हुए क्वेश्चन हम लोग गलत कर बैठते हैं। और आप जानते हैं सिविल सर्विस में एक दो क्वेश्चन से आप बाहर भी हो सकते हैं प्रीलिम्स से, और प्रीलिम्स में एक बार बाहर हुए तो समझिए एक साल पूरा बर्बाद, क्योंकि आपका मेंस तैयारी कितनी भी अच्छी हो कोई फायदा नहीं है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। कब? शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, लेकिन अगर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाए तो वो नहीं आएगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके मध्य वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इसलिए वायुमंडल नहीं देखने को मिलेगा आपको। चलिए तो हम लोग स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण है, यानी कि वर्षा की जो बूंद होती है उसकी गोलाकार आकृति किस कारण होती है? तो आप कह देंगे पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है, तो यह पृष्ठ तनाव। क्या है? पृष्ठ तनाव। नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है, क्या होता है? घर्षण। क्या होता है? घर्षण। तेज जल के तल पर फैल जाता है, तेल जो होता है जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम होता है। एक बात और बताऊं आप लोगों को, घनत्व कम होता है, ठीक है, पानी से कम होता है। आप लोग तेल कभी डालते हैं तो ऊपर नहीं आ जाता है, फैल जाता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन की बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन की बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ठीक है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये देखने को मिलेगा। एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम दैर्ध्य वृद्धि होती है, किसमें? 3 मीटर लंबाई और 1.5 मिलीमीटर वाले तार में सबसे ज्यादा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आप।
यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो पाता, जिसकी आपको वो बात की थी ना कि आप लोगों ने किस किस ने यूज किया है इसका, लैंप का या लालटेन का, उसी की बात कर रहा हूं। कोई मृदु पेय का उपभोग करने के लिए एस्ट्रा का प्रयोग नहीं करता, स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपयुक्त में से सही कथन क्या है? पहला सही है, इसमें केरोसिन द्वीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। फिर आप देखेंगे स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, तीसरा सही है। वो बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, तो 1, 2, सॉरी 1, 3, 4 सही है। दूसरा, इसमें आपका कथन गलत है। दूसरा कैसा है? गलत है, ठीक है। फिर आपका केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है पौधे की जड़ों से जल के इसके फर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए, ठीक है, और भी इसके लिए कारण है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण पेस्ट तनाव है इसका। क्या है? पेस्ट तनाव, ठीक है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तरल का पेस्ट तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है, जल से अधिक होता है इसका पेस्ट तनाव। जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपर ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। कैसा होगा? बढ़ जाएगा। ये हवाई जहाज से यात्रा करते समय पैन से स्याही निकलने लगती है वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब में कमी के कारण, किसके कारण? वायुदाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है किस पर? ये पास्कल के नियम पर आधारित है। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में क्रांति ला दी है, लोगों के आवागमन और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। आप भी जानते हैं अपने दैनिक जीवनचर्या में कि एक समय आप देखते थे कि आपको अगर 100-150 किलोमीटर दूरी तय करनी होती तो आपको 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता था। अभी आप देखेंगे 1-2 घंटे में आप इस दूरी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और आप और भी अच्छी सुविधा है तो आप कुछ ही मिनट में इसे पार कर सकते हैं। मोबाइल से आज आप देखिए कि एक समय तार आप लोग डाक लिखा करते थे तार पत्र, और आप देखते थे कि 7 दिन आपको अमेरिका भेजना है। चलिए मान लीजिए आपको कन्या यानी कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु भेजना है तो कम से कम 4 से 5 दिन उसे पहुंचने में लगते थे, 4 से 5 दिन उसे आने में लगते थे। और अभी आप देखते हैं कि 1 मिनट में फोन मिलाते हैं और काम की बात आपकी हो जाती है। फिर आपका बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से जो मौसम दशा इंगित होती हुआ है तूफानी मौसम। अगर बैरोमीटर में अचानक गिरावट आती है तो आप समझ जाइए कि तूफानी मौसम आने वाला है, ठीक है। नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले एक फब्बारे के चित्र पर ध्यान दीजिए। 4, 3, 2, 1 फब्बारे के छिद्र के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी तक फेंका जाएगा वह है, तो यह छिद्र 2। क्या है? छिद्र 2 है। इसमें पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फाल्ट, एस्फाल्ट, ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल तल में जल द्रव अवस्था में बना रहता है। इसका कारण यह है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसलिए आप देखते हैं कि अगर बर्फ जम भी जाती है उसके बाद भी जीव उसमें रहने वाले जिंदा बने रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप तल में ये लोग पहुंच जाते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, ठीक है। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर परिवर्तित हो रहेगा क्या? घनत्व। क्या रहेगा? घनत्व। इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है, तो इस पॉइंट को याद रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 डिग्री केल्विन पर, ठीक है। अब ऐसे देख लीजिए कथन ए। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है।
कारण आग, लोहे का अपेक्षित घनत्व भारत के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ये आपका गलत है। तो इसमें देखेंगे आप लोग, ए कथन बिल्कुल सही है, लेकिन जो आर है ये गलत है। आर कैसा है? गलत है आपका। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि पानी में आप देखेंगे तो डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, पारे से कम है। पारे से क्या है? कम है, लेकिन लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बाहर बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों ऐसा होता है? सुई का अपेक्षित घनत्व तो उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सुई डूब जाती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, किस कारण? पेश तनाव के कारण। जब कुएं से बाल्टी की पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भार भरी हुई है और बड़ी, मतलब वजन में भी कम लगती है आपको। ठीक है, एक बात याद रखिए, यहां एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है। सुई का अपेक्षित घनत्व तो उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। माफ करिएगा, यहां आप देखेंगे कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, नहीं डूब जाती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, यहां नहीं होना चाहिए था। चलिए छोड़ दीजिए, ये है आप आपका। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा क्या? शून्य, जीरो। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। आप देखते हैं जो आप लोग मक्खन निकालते हैं उसी की बात की जा रही है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, उसका घनत्व कम, कम घनत्व के कारण ऐसा होता है। वह तत्व तो जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो ये आपको देखने को मिलेगा टेक्सियम, टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम। समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह होता है 1/9, 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहता है, कोई उसमें फेरबदल नहीं देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा आपका। समुद्र में जल की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल नमकीन होता है और नमकीन जल में आप देखेंगे कि आप डूबेंगे नहीं। आप लोग अगर मृत सागर में जाएंगे तो वहां आप लोगों को तैरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बिना तैरे हुए यानी कि बिना हाथ पैर चलाए भी आप लोग डूबेंगे नहीं। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, क्या होता है? ऊपर उठ जाता है। एक कथन दिया गया आपका, सिविल सर्विस में इसी तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, सही है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल से के घनत्व से अधिक होता है, ये भी सही है। ए और आर दोनों आपके सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। स्थिति विज्ञान संबंधित है, विश्राम की स्थिति से संबंधित आपकी स्थित विज्ञान या स्टेटिक्स संबंधित है। चलिए अब हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, ये आपकी 320 से 400 nm। सौर विकिरण दिखता है, ये आपका 400 से 700 nm परास में। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान द्रव्यमान प्रसार होता है, ये 390 से 780 nm के बीच। मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है 5500। ठीक है, प्रकाश विकिरण विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। सत्य कथन क्या है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, प्रकाश का वेग क्या होता है? अधिक होता है।
विकास का शून्य शून्य अवकाश में वेग अनुपात होता है कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विकास का वेग अधिकतम होता है, निर्वात में देखने को आपको मिलेगा। विकास की गति न्यूनतम होती है, कांच के बीच से जाते हुए समय विकास की जो गति होगी वो न्यूनतम होगी। सूर्य के विकास को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, लगभग आप देखेंगे 8.5 मिनट समय लगता है सूर्य से धरती तक आने में उनका विकास। ठीक है, प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं तरंग दैर्ध्य और वेग दोनों। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहती है उसकी आवृत्ति, उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लगभग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियोन। कौन सी है, नियोन। ठीक है सर, आपका साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना परिणाम है बहुलित परावर्तन और वृत्तीकरण का। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाते समय। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करती है वह कौन सा है, पूर्ण अभ्यांतर आंतरिक परावर्तन। परिघटना जिसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत प्रभावित होता है प्रकाश तरंग के रूप में। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और इसमें सही कथन आपको बताना है। तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है आपका। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, यह भी सही है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, यह भी आपका सही है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है, ये आपका बिल्कुल गलत है। तो इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 क्या है आपके सही है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ लिया करेगा जब भी पेपर, अगर आप सिविल सर्विस का दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस का या कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन बनने को आता है तो आप लोग बड़े ध्यान से देखा करिए, वो बड़े ध्यान से इसका ऑप्शन लगाया करिएगा। मैंने खुद देखा है कि क्वेश्चन आते हुए हम भी कई बार गलत कर बैठते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप कार्य करता है। मरीजों के पेट के अंदर, यानी कि आपके अगर पेट के अंदर की जानकारी परीक्षण करने हेतु डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप कार्य करता है, क्या करता है, प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। मेघ मरीचिका का कारण हुए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये होती है। मृग त्रिहटा उदाहरण है, यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार करना है आपको, स्थलीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन। इनमें से वह तत्व जिसके कारण मरीचिका बनती है तो आप देखेंगे स्थलीय तापन के कारण और प्रकाश अपवर्तन के कारण, यानी कि 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, 1, 3 इसमें आपका होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, क्या है आगे, एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आप देखते हैं कि एक हीरा जगमगाता है, यानी कि उजाला करता है, एक तरह से चमकता है। उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, इसी कारण वो चमकता है। इसे भी देख लीजिए, कथन ए, हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, बिल्कुल सही है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, ये गलत है। तो इसमें कारण आर गलत है, लेकिन कथन ए बिल्कुल सही है। कथन ए कैसा है, बिल्कुल सही है। आगे, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम है होलोग्राफी। क्या कहते हैं इसे, होलोग्राफी। एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है, क्या कहलाता है, रोस्टर स्कैन। रमन प्रभाव का विकास की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम में।
सभी पारदर्शी माध्यम के, ठीक है, रमन प्रभाव, सीवी रमन आप जानते हैं ना, उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इसके लिए। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होती है, लेजर बीम, लेजर बीम। आगे है आपका, जब एक सीडी ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं इसमें, इसकी व्याख्या की जा सकती है, इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर इसकी व्याख्या कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, इसमें सही कथन आपको चुनना है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का विकिरण लघु तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है, बिल्कुल गलत है। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है, बिल्कुल गलत है। रेडियो तरंगें द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है, इसमें 3 और 4 आपके सही है, 3 और 4 बिल्कुल सही है। कथन है आपका ए, कथन क्या है, एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, सही है ये आपका कथन सही है। कारण आ रहे आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकेंड तक बना रहता है, ये आपका गलत है, कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है आपका। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है, वक्राकार होती है आपकी पृथ्वी की सतह। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है, यह है आपकी आवृत्ति मडुलन, ठीक है। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा व उल्टा बनता है, दृष्टि पटल रेटिना पर जो आपको चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है और हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। अभिनेत लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है वह होता है उल्टा तथा वास्तविक, उल्टा तथा वास्तविक। एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है क्योंकि इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है, इसीलिए आप समझिए हमारी दो आंखें हैं, समझ रहे हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, इसका कारण होता है अल्ट्रा वायलेट प्रकाश के कारण। जब आपने देखा होगा कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तब आपके परिवार वाले बोल देते हैं कि घर में अंदर रहना, बाहर मत देखना, ठीक है, इसी कारण से। तो आप समझिए कि बिना पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी इससे जानते हैं। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, ध्रुव तारण, ध्रुव कण। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, यदि मैजेंटा रक्ताभ नील लोहित और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हों तो पीति छेदित छेद का रंग लाल होगा, बिल्कुल सही है। यदि साइन यानी कि हरे ताप नीला और मेजेंटा रक्ताभ नील हो लोहित रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो पीति छेदित छेद का रंग नीला होगा, ये भी आपका सही है, सही कथन पूछ रहा है तो एक दो दोनों सही है आपके, एक दो दोनों आप सही लगाएंगे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है लाल रंग का, किसका, लाल रंग का। सबसे कम वेव लेंथ है यानी कि सबसे कम वेव लेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य प्रकाश है बैंगनी का, सबसे अधिक लाल का, ठीक है, सबसे कम बैंगनी का। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैंगनी, ठीक है। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश और पीला प्रकाश में से उच्चतम ऊर्जा होती है, आपको देखने को मिलेगी नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा देखने को मिलेगी, यहाँ आपका कथन ए है और कारण आ रहे हैं। चलिए कथन ए को देखते हैं, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक
ऊर्जस्व होता है। गलत है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है, ये आपका सही है। तो इसमें कारण आपका सही है, कारण आर, लेकिन ए गलत है आपका, ए कैसा है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व भी सूर्य दिखाई देने का कारण है, प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसी घटना होती है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा की दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। क्या अपवर्तन? सूर्य के प्रकाश के आदर्श भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, आगे आपका ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य की दैर्ध्य लंबाई सर्वाधिक होती है। इसी कारण आप देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उसमें लाल रंग का यानी कि लाल प्रकाश का प्रयोग आप लोग देखते हैं। कथन ए, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, लाल रंग का विकिरण सबसे कम होता है, ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का विकिरण सबसे अधिक होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग और दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक विकीर्ण होती है, इसीलिए आप देखते हैं कि आकाश नीला लगता है। खतरे के संकेतों के लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विकीर्ण सबसे कम होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का रंग उपयोग किया जाता है। आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के विकीर्ण के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपयुक्त में से सही चुनना है हमें। आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम विकिरण है, बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष के सात रंगों का कारण प्रकाश का विकिरण है, ये आपका गलत है। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश का विकिरण है, तो ये सही है। तो इसमें आप देखेंगे एक और तीन सही है, लेकिन दूसरा आपका गलत है। दूसरा कैसा है? गलत है आपका। ठीक है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? प्रकाश का विकिरण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? काला। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह आपको काला दिखाई देता है, कैसा? काला। समुद्र नीला प्रतीत होता है। ये देखेंगे आकाश के परावर्तन और जल की कणों द्वारा प्रकाश के विकिरण के कारण आपको ऐसा समुद्र नीला प्रतीत दिखाई देगा। ठीक है, फिर सारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। मान लीजिए कि पृथ्वी से पश्चिमगामी हो रही एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश के वेग की 2/10 है, तो रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को जो प्रकाश नीला दिखाई दे रहा है वह पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षकों को दिखाई देगा, ये पीले रंग का दिखाई देगा। वहां नीले रंग का दिखाई दे रहा है तो यहां पीले रंग का दिखाई देगा। फिर आपका कार में पीछे की यातायात के दृश्यावलोकन के लिए प्रयोग होता है कौन सा लेंस होता है? उत्तल दर्पण का। आप लोग जो देखते हैं बैक साइड का शीशा, आप लोग देखते हैं कि गाड़ी कौन पीछे आ रही है, तो उसे देखने के लिए आप लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों में पेस्ट दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग होता है उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए काम में आता है अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन जो सबसे उचित है वह ऊपर उजला नीले नीचे काला। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। कितनी? अनंत। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को जो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर बनती है अनंत प्रतिबिंब। कितना? अनंत प्रतिबिंब। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। कितना? दुगना। ये आपका कथन है, ये आपका कारण है, इसे भी देख लीजिए आप लोग। कथन ए, यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी मणिकाएं उन पर प्रकाश पड़ने पर तेजी से चमकने लगती हैं, बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल आपका सही है।
कारण आर विकास पूर्णता परावर्तित होता है, और जब आपतन का कोण एक निश्चित क्रांतिक मान से अधिक हो जाता है एवं अपेक्षाकृत सघन माध्यम से गुजरता हुआ विकास एक अपेक्षाकृत विरल माध्यम में से परावर्तित होता है। ये भी आपका सही है, और आप देखेंगे एक भी ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म में से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, प्रकाश रंग में इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? नीला, हरा, पीला। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए जो भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है वह कौन सी है? परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। नीला, हरा, पीला तथा लाल रंग से में से इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, ये आपको हरा दिखाई देता है। कौन सा? हरा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्ण पट 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 होते हैं, बैगनी और लाल रंग के, बैगनी और लाल रंग के। ये आपका कथन एक हो गया, और कारण आर। कथन ए को देखिए, एक छोटी एक छड़ी जो जल में तिरछी स्थिति में डुबाया गया है, यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल सही है, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से विकिरित होकर छड़ी की छोटी एवं झुकी होने का आभास देता है। ये आपका गलत है। क्या है? कथन ए, यानी कि कथन सही है लेकिन कारण इसमें गलत है आपका। यहां भी देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट यानी कि ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बिल्कुल सही है। और यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लगेगा। इसमें सही सही कथन चुनना था। तो आप देखेंगे दोनों कथन आपके कैसे हैं? दोनों सही है। दोनों कथन कैसे सही है आपके। चलिए अगला देख लेते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता हुआ है, अवतल लेंस की भांति ये काम करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, अपसारी लेंस जैसा, अपसारी लेंस जैसा। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। अगर व्यक्ति की ऊंचाई का आधा अगर आप समतल दर्पण लेते हैं तो व्यक्ति को पूरा देख सकते हैं। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। कितनी? अनंत होती है। एक 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई आपको बताया था ना कि आधी होनी चाहिए, 0.75 मीटर आदमी की लंबाई की उससे आधी। ठीक है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस को, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस को। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में सही कथन नहीं है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष होता है जो इसमें आपको दूर की वस्तु से साफ दिखाई देगी लेकिन पास की दृष्टि आपको वस्तु साफ नहीं दिखाएगी। अगर इसे ठीक करना है तो उत्तल लेंस का उपयोग करना होगा, और अगर आपसे पूछे निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयोग में लाया गया उत्तल अवतल लेंस होता है, नतोदार कॉन्क्लेव। इसमें आपको निकट निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगी। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग का उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है अवतल लेंस द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। इसे आप लोग अपने दैनिक जीवनचर्या में भी देखते होंगे। ठीक है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस बनते हैं उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस से। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। सही कथन नहीं है, एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक, गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यह सही नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं डॉक्टर अधिकतर। खोज पत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है नतोदार दर्पण,
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन से। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। पावर मापने के लिए चश्मे की डायोप्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे भी बात करते हैं। कैमरे का द्वारक और कपाट गति का जो संयोग अधिकतम उद्भासन होने देगा वह है F22 और 1/60। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा की जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। क्या है? फिल्म। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टि पटल पर। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में बनता है रेटिना पर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है, जिसे वह परावर्तित करता है। ठीक है, अब एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं लाल हला लाल हरा नीला से। बेमूल वर्ण जिनकी टीवी के पर्दे में विभिन्न रंग प्रकट होते हैं लाल हरा और नीला। जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये सफेद हो जाता है, सफेद हो जाता है। ठीक है, काला पीला लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है तो काला नहीं है। अगर आपसे पूछे कि प्राथमिक रंग कौन सा है तो आप देखें कि पीला लाल नीला। ठीक, तीन मूल रंग है नीला हरा और लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7, 7। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा भूरा लाल तथा पीला रंगों में से विषम है भूरा। ठीक है, इसे भी देख लीजिए। नीचे लिखित परिघटनाओं पर विचार करना है आपको। उपयुक्त में से दृष्टि भ्रम है। गोधूलि से सूर्य का आमाप बिल्कुल सही है। ऊष्मा काल में सूर्य का रंग ये भी सही है। ऊष्मा काल में चंद्रमा का दिखना ये गलत है। आकाश में तारों का टिमटिमाना ये भी सही है। आकाश में धूप तारे का दिखाई जाए ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 4 आपको सही देखने को मिलेगा, बाकी 3 और 5 सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। सीधा सा कहने का मतलब है कि अगर आप सोचिए कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप अगर गर्म जल में हाथ डालेंगे तो कम आपको एक तरह से जलन होगी, समझ रहे हैं? लेकिन आप अगर भाप से जलते हैं तो आपको जलन अधिक देखने को, गंभीर देखने को मिलेगी। भाप से हाथ अधिक गलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा के कारण ऐसा देखने को मिलता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड ताप क्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस ताप क्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है ये आपको देखने को मिलेगी 720 कैलोरी। कितनी? 720 कैलोरी। ठीक है, सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। आप देखेंगे सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट तापक्रम आपको समान देखने को मिलेंगे -40 डिग्री पर, -40 डिग्री पर दोनों बराबर में आ जाते हैं। वह बिंदु जिस पर फॉरेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है तो आप जानते हैं 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? याद रखिए फॉरेनहाइट में अलग होता है आपका, सेंटीग्रेड में अलग होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है 310 देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ डिग्री का यूज नहीं किया जाता है, डिग्री का उपयोग नहीं करते हैं यहाँ। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम आपको देखने को मिलेगा फॉरेनहाइट में 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? ये आपको देखने को मिलेगा 36.89 यानी कि लगभग 37 के करीब। ठीक है, 37 डिग्री के करीब।
सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, होगा ये आपको देखने को मिलेगा 36.9 डिग्री के करीब, 36.9, ठीक है, यानी कि लगभग आपका 37 ही है। माना कि औसत तापमान सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट और को सी, यानी कि आप तापमान सेंटीग्रेड एफ, यदि सी तथा एफ का संबंध एफ बराबर 9/5 C+32 हो तो एफ तथा सी का संबंध क्या होगा, तो आप देखेंगे एफ बराबर 9/5 C+32 होगा इसका संबंध, ठीक है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे अल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, इसलिए यहाँ आप देखेंगे अल्कोहल को वरीयता यानी कि ज्यादा महत्व दिया जाता है। स्वचालित इंजनों हेतु हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है ये, आप देखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ठीक है। परम शून्य ताप है, सिद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ये परम शून्य ताप कहलाता है आपका। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है, पदार्थ का घनत्व क्या होता है, घटा देता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है, आयतन क्या होता है, घटता है। समय की डिग्री दृष्टि से दो द्रवों पी और क्यू के ताप पर ताप का 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक उतार चढ़ाव के नीचे के आरेख में दिया गया है, देखिए इसे देख सकते हैं आप लोग, समय और तापमान। क्यू का ताप पी की तुलना में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तेजी से पहुंचा, ठीक है। फिर आपका थर्मोस्टेट का प्रयोजन है तापमान को स्थिर रखना, थर्मोस्टेट संबंधित है तापक्रम से, किससे, तापक्रम से। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना, इसका काम है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर, ठीक है। आगे आपका जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, इसके कारण आप देखिए कुरकुरे हो जाते हैं। इसे भी देख लीजिए, कथन ए आपका, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है, ये आपके दोनों कथन सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है आपका, ठीक है। फिर आपका कथन ए, बड़े शीतगृह संयंत्र पिसितक के रूप में अमोनिया का उपयोग करते हैं, जबकि घरेलू पिसितक में आप देखेंगे तो क्लोरो क्लोरो कार्बन का उपयोग करते हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि बड़े संयंत्र अगर लगे हैं कहीं तो उनमें आप देखेंगे अमोनिया का उपयोग होता है, लेकिन घर घर में जो आप फ्रेज यूज करते हैं इस तरह का, इसमें क्लोरो क्लोरो कार्बन का उपयोग करते हैं, CFC का, ये सही बात है। कारण आर की बात अगर हम लोग करें तो अमोनिया को कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, ये आपका गलत है, कथन ए सही है लेकिन कारण जो ये गलत है, ठीक है। अब आपको देखना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, यदि फ्रिजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, ये सही बात है। बर्फ एक दुर्बल चालक है, ये भी सही है, तो इसमें आप देखेंगे कथन भी सही है और कारण भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है, ये भी आपका कथन ए। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय स्थित है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, बिल्कुल सही है। कारण आर क्या है, कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, तो इसमें आपके दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण भी करता है। आप कहते हैं ना कि इस पर फिर अगर जो भी एरोप्लेन गुजरते हैं कई इसमें चले जाते हैं, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं कि इसके गुरुत्वीय क्षेत्र प्रबल है ज्यादा, इसलिए वहां से नहीं निकल सकता है, प्रकाश भी नहीं निकल सकता है, तो बाकी चीजों का आप समझ सकते हैं। फिर आप अगला निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए, कथन ए सही है। कारण आर, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा आपूर्ति वर्ष में बिना रुके 99% है, इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है, ए भी आपका सही है, यानी कि दोनों आपके ए और आर सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी देता है, ठीक है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, साथ ही इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है,
शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई भी आप देख देंगे बड़े बढ़ जाती है, और इसके साथ में इसकी जो चौड़ाई भी होती है ये भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब है आपके नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान देना है। ये आपका गोलक हो गया, ये वलय हो गया। पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? तो आप देखेंगे गोलक गोलक निकल जा सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हैं नीचे दो धातुएं ए और बी हैं कि पट्टियां एक साथ मजबूती से जुड़ी हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ए और बी गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रोग ग्रहण कर लेती है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, समझ रहे हैं? ये आपके इन्हें भी देख लीजिए। कथन ए, तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया, उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। बिल्कुल सही है, तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। ये आपका सही है, लेकिन आप कहिए कि आर, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है। ठीक है, लेकिन कथन ए और कारण आर दोनों आपके सही है। क्या है? सही है। ठंडे ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है। क्यों लगता है ऐसा? लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है, इसलिए आप इसमें देखेंगे। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसका जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, वाष्पीकरण की दर तेज होती है। समझ रहे हैं? सही कथन नहीं है। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं आपकी। आप देखेंगे कमरे में लगा हुआ वातानुकूल कूलर नियंत्रित करता है केवल आर्द्रता एवं तापमान को, केवल आर्द्रता एवं तापमान को। ठीक है, फिर आपका डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है, बाष्पन शीतलन पर, बाष्पन शीतलन पर कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर, कम आर्द्रता और अधिक तापमान पर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है। आप देखते हैं कि जहां भी इस तरह की बर्फ बनाई जाती है तो आप वहां भी इस तरह का प्रयोग देखते हैं। ठीक है, जब पानी में अब आप नमक मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है, जब भी अशुद्धि मिलाएंगे तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि हिमांक बिंदु आपका घटेगा और क्वथनांक बिंदु आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका कथन ए, ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। बिल्कुल सही है, कारण आर की बात करें तो ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है, ये भी आपका सही, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। लेकिन कथन ए और कारण आर दोनों आपके सही हैं। ठीक है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर परत लगाई जाती है, रजत परत। आप देखते हैं कि अंदर बाहर ऊष्मा नहीं जाने के कारण ये बना रहती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। लेकिन आप देखते हैं गर्मियों में आप काले कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, जाड़ों में पहनने वाला कथन ए, जाड़ों में पहनने के लिए हम सफेद कपड़ों को वरीयता देते हैं, सफेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ए भ्रामक है लेकिन किंतु आर बिल्कुल सत्य है। कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। सही है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। पसीने का मुख्य उपयोग है, पसीना का मुख्य उपयोग क्या है? शरीर का ताप नियंत्रित रखने में इसका पसीने का उपयोग होता है। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है और हमें ठंडक मिलती है, आराम मिलता है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, आप देखेंगे वाष्पीकरण के कारण इस तरह की घटना देखने को मिलती है। एक विशेष दिन व समय में चोरू में 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के दो प्याले में
पानी चुरू में 95 डिग्री सेंटीग्रेड और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से वह प्याला जो कमरे के तापमान पर पहले पहुंचा। तो आप देखेंगे दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, समान समय में। गर्मी यानी कि ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है, जब मौसम उमस वाला होता है। आप भी तो कहते हैं कि आज बड़ी उमस पड़ी हुई है, समझ रहे हैं, उसी की बात करा। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से, निम्न आर्द्रता से। कथन ये, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु घटता है, सही है। और कारण आर की बात करूं तो ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, ये आपका गलत है। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, इसलिए हम लोग इसका अनुभव नहीं कर पाते। कथन ए, तापमान में वृद्धि के कारण ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, गलत है। कारण आर की बात करूं तो तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये आपका सही है। कैसा है, सही है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसलिए आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर का आप लोग उपयोग करते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ठीक है। पर आप देखेंगे प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रता पूर्वक बन जाता है, क्यों, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसके लिए। कथन ए, प्रेशर कुकर में एबोनाइट कहता हैंडल लगा होता है, एबोनाइट मजबूत होता है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छिद्र का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर, ठीक है। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या देंगे, पहले घटता है और उसके बाद आप देखेंगे कि बढ़ता हुआ बढ़ता है, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ना प्रारंभ करेगा, ठीक। यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन पहले घटेगा और बाद में आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नीचे कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथन आपको चुनना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है, बिल्कुल नहीं। बर्फ की संग गलत है ये कथन, ठीक है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा और जल की वास्तविक गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी आपका गलत है। वातानुकूल कूलक में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवणित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तीसरा कथन आपका सही है लेकिन एक और दो आपका बिल्कुल गलत है, एक दो क्या है बिल्कुल गलत है, आपको देखने को मिलेगा। अगला है आपके सामने, जब किसी बोतल में पानी भरा रह जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों, पानी जमने पर फैलता है। पानी क्या होता है, जमने पर फैलता है, तो आप देखते हैं कि बोतल टूट जाती है। आप ठंड के दिनों में देखते हैं पाइप भी तो टूट जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, इसी कारण पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलेगा तो पानी का स्तर वही रहेगा यानी कि बढ़ेगा नहीं, ठीक है। साफ मेघ रहे रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, क्यों, क्योंकि बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, यानी कि कहने का मतलब कि जो गर्मी छोड़ेगी पृथ्वी हमारी उसे वापस कर देगी यानी कि पृथ्वी पर ही, इसलिए गर्म बने रहते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ वायु आकाश वाली रातों से अधिक गर्म रहती हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकते हैं, इसलिए शीत कोष्ठ में भंडारण भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है, इसलिए आप देखते हैं कि शीत ग्रहों में कोष्ठ में काफी समय तक आप लोग देखते हैं कि जो भी सब्जियां होती हैं ठीक रखी रहती हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है, वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है। कथन ए, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण आर, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं,
ए सही है लेकिन परंतु बार बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है, सही कथन नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। सही कथन नहीं है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी गैस का आयतन 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर संपीड़ित मूल का आधा रह जाए तो उसे पुनः मूल आयतन प्राप्त कर पाने के लिए गर्म किया जाए 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग तरंग गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनके एक तरह से फैक्ट। दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, दीर्घ रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। ये क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है, आयन मंडल से। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल का को परावर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर द्वारा। आयनोस्फीयर द्वारा एक बात आप लोगों को बताऊं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे अगर पूछे जाएं तो आप लोग दोनों क्वेश्चंस को पढ़ लिया करिएगा, हिंदी में लिखे रहते हैं उसे भी और जो आपका इंग्लिश रहती है उसमें भी। क्योंकि मैंने देखा है 2000 कुछ समय पहले यूपीपीसीएस में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था कि जो इंग्लिश में सही था लेकिन हिंदी में गलत था, तो वो आप समझिए कि थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। हिंदी में शब्द आप समझते हैं कि बदल जाता है उसका मीनिंग, तो उसे अच्छे से पढ़ लिया करिएगा जहां भी आपको इस तरह की कंफ्यूज होते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसा बन चुका है। तो उसे रेडियो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में से जो स्तर उत्तरदायी है वह कौन सा है? आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। तरंगें जो शून्य से संचार नहीं कर सकते हैं ध्वनि तरंगें। कॉस्मिक किरणें आवेशित किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित किरणें हैं। कॉस्मिक किरणों के संबंध में सही कथन नहीं है, वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। ये बिल्कुल कथन सही नहीं है। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्ग के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्ध्य। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ ठीक है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग रहती है इसमें रेडियो तरंगें। ठीक है, रेडियो तरंगें। जब समता मंडल में ओजोन अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तित विकिरण की तरंग दैर्ध्य होती है 10^-7 N। एक बात और याद रखिए आप लोग कि अगर ओजोन परत ना रहे, जब ओजोन परत में क्षति देखी जाती तो चिंता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वो हानिकारक किरणों को रोक लेती है जो हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है, कैंसर भी होता है, तो इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। रात्रि दृष्टि उपकरणों में प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंगों का। दूर संचार के लिए उपयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रोवेव। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है 88 से 108 MHz के मध्य। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। किसका? एक्स किरणों का। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है एक्स किरणें। कौन सी? एक्स किरणें। ये ध्वनि आ गई, ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। माध्यम जल इस्पात नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का आरोही क्रम आपको बताना है, तो आप सबको आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, उसके बाद जल, उसके बाद इस्पात। ठीक है, ध्वनि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा? धातु में। यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति होती VA, VA फिर सबसे कम और VW और VS सबसे ज्यादा, VS और VA सबसे कम। ठीक है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तापक्रम पर ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी लोहे में। किसमें? लोहे में, आयरन में। ध्वनि तरंगें ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ठोस और गैस दोनों माध्यम में ही चल सकती हैं। ध्वनि आर पार नहीं जा सकती, निर्वात में। किसमें? निर्यात निर्वात में। म्यूजिक कंस्टर्ट के हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितनी? 16.5 मीटर की। 16.5 मीटर की। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है कितना? 330 मीटर प्रति सेकेंड। 330
30 मीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए नहीं सुन सकते। एक अंतरिक्ष यात्री अपनी सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि ध्वनि विचारित करने का माध्यम वहां उपलब्ध नहीं है, वायुमंडल वहां उपलब्ध नहीं है। इसे भी देख लीजिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना और आपको सही कथन चुनना है इसमें से। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। गलत है। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में परिगामी होती है। ये दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। परास्तरित तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है, नीचे जो कथन दिए गए और सही कथन आपको चुनना है। एक कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल सही है। एक कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये चारों कथन आपके सही सही है, सभी सही है, ठीक है। परास्तरित विध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। एक जैव पद्धति जिसमें परास्तरित ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो ये आपकी सोनोग्राफी। क्या है? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं। क्यों उड़ सकते हैं? अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? वे परास्त ध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित भी होते हैं। उल्लू का भी यही काम है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। हृदय अपशब्द आवृत्ति पर कंपन करता है, सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, गलत है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्धित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये सही है। परास्तरित ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये आपका सही है। तो इसमें आप देखेंगे 1, 3, 4 सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण नुकसान होता है ओजोन परत को। ओजोन परत को किसे? ओजोन परत को, जिसकी मैंने बात की नहीं अभी पहले। कथन ए, समुद्र तल के निकट के मैक संख्या 1 पर जा रहा वायुयान चाल की तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होती है, ये बिल्कुल गलत है। कारण, ध्वनि की गति परिवर्ती माध्यम के ताप पर निर्भर करती है, ये आपका सही है। यानी कि कहने का मतलब है कि कारण सही है लेकिन कथन इसमें गलत है। डेसिमल प्रयोग में लाया जाता है, वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए डेसिमल का उपयोग करते हैं। किसका? डेसिमल का। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब ध्वनि उत्पन्न होती है, लगभग आप देखेंगे 30 डेसिमल। ध्वनि को मापने की एक तरह से इकाई है डेसिमल, ठीक है। 100 डेसिमल का रॉ नॉइस प्रबलता स्तर संगत होता है। यंत्र कारखानों के शोर से 100 डेसिमल के करीब ध्वनि मापी जाती है। जो आपका WHO है, जिसे आप विश्व व्यापार संगठन यानी कि WHO कहते हैं, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। 7 अप्रैल को आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। तो WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण कितना है? 45 आपको डेसिबल देखने को मिलेगा डीबी, ठीक है। मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी है? 85 डेसिबल, यानी कि मनुष्य इतने डेसिबल तक बर्दाश्त कर सकता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि है 60 डेसिबल, ठीक है। एक मजदूर रेल की पटरी पर काम कर रहा है था, तब लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी की जाने बाली हथौड़ी की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक आपको देखने को मिलेगा, इस कारण आपको 2 बार दिखाई सुनाई देगा। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है केवल ध्वनि गुणता यानी कि क्वालिटी में अंतर करके। कथन ए, अनुरण विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, बिल्कुल सही है। कारण आप दीवारों छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो जाती है, ये आपकी ए और दोनों कथन सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है, ठीक है, याद रखिए। इसे भी देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम भी कहते हैं 7 आवृत्तियों वाला होता है,
ये आपका बिल्कुल सही है। स्वर सा आवृत्ति 256 Hz को स्वर नी की आवृत्ति 512 Hz होती है, ये आपका गलत है। इसमें सही कथन चुनना था, तो ये केवल आपका सही है। इन्फ्रारेड एक्स किरणें और दृष्टिगोचर प्रकाश तथा रेडियो तरंगों में से तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, किसकी? रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग की। एक टीवी सेट को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों के द्वारा। ठीक है, आप लोग जो कोई भी चैनल बदलते हैं, आवाज बढ़ाते हैं, ये रेडियो तरंगों के कारण देखने को मिलता है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए जिस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, वह है अवरक्त विकिरण। वह विद्युत चुंबकीय विकिरण जो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यह है अवरक्त। क्या है? अवरक्त। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होती हैं किरणें। दूरदर्शन प्रसारण में चित्त संदेश का संचरण होता है आयाम माडुलेंस द्वारा। टेलीविजन प्रसारणों में शब्द संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 mHz। कथन ए, रेडियो तरंगें चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। कारण आ, रेडियो तरंगों की प्रकृति विद्युत चुंबकीय है। तो इसमें आप देखेंगे कथन तो गलत है, लेकिन जो कारण है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब है आपकी विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके एक तरह से आंसर। 100 वॉट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, कितना? 5 रुपये। 100 वॉट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगी 1 इकाई, तो 1 इकाई आप समझते हैं 5 रुपये की होगी, तो 5 रुपये खर्च होगा। ठीक है, इसके बाद अलग है, अभी वर्तमान में जो इकाई जिस तरह से पैसा लिया जाता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आपके क्षेत्र में अलग अलग देखा जाता है हमेशा। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3 × 6, 3.6 × 10^6 जूल, यानी कि 3.6 × 10^6 जूल। ठीक है, 100 वॉट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयां होंगी 0.4 यूनिट, 0.4 यूनिट। एक समय आप सुनते थे कि बड़ा वो बिजली वाला बल्ब आता था, पीले रंग का जलता था, 100 वॉट का हुआ करता था, समझ रहे हैं आप लोग? आइए, आप देख रहे हैं कि CFL आती है, 0 वाट की भी आ चुकी है, तो आप लोग समझिए कि उस समय, इस समय 10 जला लीजिए, 10 10 वाट की, उस समय आप सोचिए 1 जला लीजिए। अधिकतर क्षेत्रों में वो अब बंद हो चुका है, फिर भी अगर फिर भी यूज हो रहा है तो मुझे लगता है वहां बिल नहीं आता होगा, वही लोग इसे यूज करते होंगे, और 10 रुपये का आता है वो, सस्ता रहता था। लेकिन ये CFL भी काफी दिनों तक चलती है, उसे देखते हैं आप लोग कि खराब हो जाता है, लेकिन कोई CFL लेते हैं आपकी 100 से 120 रुपये की आती है और 2 साल की शायद गारंटी रहती है, फायदेमंद है। बिजली की खपत का बिल आधारित होता है किलोवाट प्रति घंटा के मापन पर। यदि 60 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में बिजली खर्च होगी 9 यूनिट। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है तो सही है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी यानी कि चमकदार है, इन दोनों में से उच्चतर अवरोधक है मंदी रोशनी वाले बल्ब में। डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वह वास्तव में है क्या? है ऊर्जा का परिवर्तक होता है, ऊर्जा का परिवर्तन। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखिए क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। टर्बाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है मैकेनिकल ऊर्जा को। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती इस समय। ठीक है, फिर आप देखेंगे इसे भी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
बदलने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति आप सभी को मालूम होना चाहिए, यह है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह कौन सा है? ये बैटरी है आपकी, बैटरी। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं, क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखिएगा, इसे बड़े अच्छे से पढ़ लिया करिए। मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें से आपको सही कथन चुनना है। वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होते हैं, ये बिल्कुल सही है आपका। प्रयुक्त विद्युत अवघट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये आपका गलत है। इलेक्ट्रोड शीशा और तांब है, ये आपका गलत है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं, ये सही है आपका। तो इसमें आप देखेंगे एक और चार आपका सही है, दो तीन गलत है। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है, यह है टंगस्टन। ठीक है, जो आप अंदर देखते हैं ना तार टाइप का लगा रहता है, उसकी बात कर रहा हूँ, टंगस्टन। ठीक है, फिर आपका बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और सही कथन आपको चुनना है। एक साधारण बिजली का के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो इसमें आपके तीनों सही होंगे, क्या होंगे? तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, एक दो तीन। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है कितना? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, कथन ए, तड़ित चालक इमारतों को नहीं नष्ट होने से बचाते हैं, ये बिल्कुल सही है। कारण, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, ये भी आपका सही है। और याद रखिए आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। फिर अगला है, तीन पिन बिजली के फ्लैग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। किससे? आधार सिरे से। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे समान विभव पर हों। समान विभव पर हों। सर्वाधिक विद्युत चालकता का तत्व है कौन सा? चांदी। चांदी ये महंगी होती है इसलिए यूज नहीं की जाती है, वरना सबसे ज्यादा अच्छी यही है। माइका, तांबा, स्वर्ण और चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। ठीक है, मैन विद्युत दाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति क्रोम में होता है, फ्यूज के विषय में सही कथन है। इसका गलनांक निम्न होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? गलनांक निम्न होना चाहिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, तिथि, निम्न गलनांक। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। याद रखिए इससे क्या होता है कि वो जो तार रहता है वो गल जाता है और सुरक्षा एक तरह से आपके जो भी उपकरण है उन्हें सुरक्षित रखता है। हेलोजन लैंप का तंतु होता है टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। ठीक है, कथन ए, एक धातु तार का तापक्रम बढ़ जाता है जब वो उसके बीच से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है, बिल्कुल सही है। कारण की आर की बात करूं तो धातु अणुओं के पारस्परिक संगठन से ऊष्मा ऊर्जा का मोचन होता है, ये आपका गलत है। ए सही है परंतु आर आपका गलत है। फिर बात करेंगे घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है, ये सही है। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार उदासीन तार होता है, कैसा होता है? उदासीन तार होता है। मानव शरीर शुष्क विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10 की पावर 6 ओम है, कितनी? 10 की पावर 6 ओम। सामान्य ट्यूबलाइट में होती है आर्गन के साथ मर्क्यूरी। ठीक है, इसे ये याद रखिए। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट
लैम्प, ठीक है, सी एफ एल, आप लोग बात करते हैं ना सी एफ एल। कथन ए, लाइट इमिट इमिटिंग डायोड यानी कि एलईडी लैम्प कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प सी एफ एल की तुलना में अधिक लंबी सेवा अवधि प्रदान करती है। सही है। कथन आर, लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी लैम्प कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प यानी कि सी एफ एल की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होती है। ये भी आपका सही है, यानी कि ए और बी आर दोनों सही हैं, और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब विद्युत बल्ब में भरी जाती है, मरकरी और नियोन गैस, इन्हें भी याद रखिए, तरह के क्वेश्चंस नॉर्मल बन जाते हैं। मरकरी और नियोन गैस एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। श्वेत प्रकाश को नली में पैदा करती है तंतु को गर्म करके विद्युत बल्ब के अंदर होती है नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस। ठीक है, प्रतिदिन नलिकाओं के साथ चौक आस संजित होता है, चौक कुंडली लाइन वोल्टता बढ़ती है, इसमें लाइन वोल्टता बढ़ती है। ठीक है, ए आपके कथन दिए गए हैं, इनमें आपको सही कथन चुनना है। क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए सीएफएल पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करती है। बिल्कुल सही कह रहा है, सीएफएल की औसत जीवन अवधि एलईडी लैंप से बहुत अधिक होती है। ये भी बिल्कुल सॉरी, ये माफ करिए, गलत है। एलईडी लैंप की तुलना में सीएफएल कम ऊर्जा सक्षम है, तो ये भी सही है, यानी कि 1-3 सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, फिर आपका एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। कितनी, 4 गुना बढ़ जाएगी। एक तार में बहती विद्युत धारा और विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दें हम लोग तो विद्युत क्या होगा, विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ी हुई आपको होगी। कितनी, 4 गुना। दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएं सभी 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध होगा 10 ओम ही। कितना, 10 ओम ही। ठीक है, बराबर समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक आवेशित हो की गई हैं। यदि एन बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तो इस बूंद का वैभव कितना होगा, एन की पावर 2/3 भी। ठीक है, कथन ए और कारण ए। इन इन बुक्स का एक और फायदा है, ये कम से कम ये काफी हद तक आप सोचिए आपकी मदद करती हैं, समझ रहे हैं? दोनों तरह के क्वेश्चंस बता देती हैं, वन डे एग्जाम के लिए, आपकी सिविल सर्विस स्टेट पीसीएम पीसीएसएस एग्जाम के लिए भी। परिणामित का प्रयोग वोल्टता के उच्चैन अथवा अपचयन के लिए किया जाता है, सही है। कारण की बात करें तो परिणामित ऐसी युक्ति है जिसका प्रयोग निर्दिष्ट धारा परिपथ में किया जाता है, ये आपका गलत है, ये सही है परंतु आर गलत है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं कहाँ, ए एसी वोल्टेज का उपयोग उपचयन और अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा वैभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए। कुछ युक्तियां और एवं संबंधित ऊर्जा रूपांतरण निम्न नीचे दिए गए हैं, इनमें आपको सही सम्मिलित बताना है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक से विद्युत में, यांत्रिक यानी कि कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये क्या काम करता है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऊर्जा का रूपांतरण। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर ये विद्युत से यांत्रिक में, ठीक है। डीजल इंजन प्रकाश से विद्युत में, ये गलत है आपका। सोलर सेल रासायनिक से यांत्रिक में, ये भी आपका गलत है। तो इसमें आप 1 और 2 सही है और 3 और 4 आपका गलत है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है,
स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। प्रत्यावर्ती धारा को दुष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं हम लोग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करती है? प्रत्यावर्ती धारा को दुष्ट धारा में परिवर्तित करने का काम करती है। ठीक है, रेक्टिफायर। ये आपका अभिकथन ए है और ये कारण आर है, तो ए को पहले देखते हैं। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं। बिल्कुल सही है। भारत में विद्युत प्रणाली 60 Hz आवृत्ति पर काम करती है। ये आपका गलत है, इसमें ए आपका कथन सही है लेकिन कारण गलत है। विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है क्या? पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली, ये सभी आपके। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूक्रोड के अंदर की चक्र धाराएं। ठीक है, अब बात करते हैं चालकता। क्या चालकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं हम लोग। अति चालकता का लक्षण है, अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। वह तापमान जिस पर अति चालकता अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो, ये सामान्य तापमान पर किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। 133 केल्विन, याद रखिए केल्विन के साथ डिग्री का यूज नहीं होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? आप कह देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं होता है इसमें। 133 केल्विन या डिग्री बिल्कुल यूज नहीं होती है। नौ आप विस्कृत उच्च ताप अति चालक है सिरेमिक ऑक्साइड। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है, 0। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। निकट अतीत में हिग्स बोसोन कण की स्थिति के संसूचन के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे। इन कण की खोज का यह मत है कि यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संहति क्यों होती है। ठीक है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है कितना? संपूर्ण यानी कि अनंत, संपूर्ण यानी कि अनंत। ठीक है, तामा जर्मेनियम ग्रेफाइट चांदी में से अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है जर्मेनियम। क्या? जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ है सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम तथा रेडियम में से ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, कथन ए, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। बिल्कुल सही है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की जो छड़ों की अपेक्षा हम लोग तांबे की छड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं एक तरह से। कारण की आर की बात करें तो लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है। बिल्कुल सही बात है। वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीजन नहीं होता है, ये भी सही है। तो आप देखेंगे ए आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि अर्धचालक है तो सिलिकॉन और जर्मेनियम। भारत सरकार ने झामा के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि उसमें से ऐसी धातुएं ऐसा तत्व निकाल सकते हैं जिसका उपयोग ट्रांजिस्टरों में होता है। वह तत्व कौन सा है? जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, याद रखिए। अब बात कर लेते हैं नाभिकीय भौतिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और एक तरह से उनके आंसर आपको बस सॉल्व किए हुए मिल रहे हैं। आपको बस आगे परीक्षा में कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व कर देना है। ये सम्मिलित है आपकी, बस आपको याद रखना है। मेसान की खोज हेडकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज सी डी एंडरसन और यू एफ हैस ने की थी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच ए बेथे ने दिया था। पारा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण जी टी सेबोर्ग ने दिया था। ठीक है, इन्हें याद रखिए। सही नहीं है, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये सही नहीं है। ठीक है, कथन ए यानी कि कथन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। बिल्कुल सही है, कारण का बड़ा का छोटा का, समझ रहे हैं? उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी।
ये भी आपका सही है, दोनों आपके सही हैं। का सही स्पष्टीकरण भी है। वह कण जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है, यह है माइक्रोवेव फोटान। माइक्रोवेव फोटान साइक्लोटॉन प्रयुक्त किया जाता है प्रोटॉन की त्वरित करने के लिए, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है विस्फोटक गड़क से। दृश्य किरणों एक्सरे पराबैंगनी तथा आवर्त विकिरणों में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है एक्सरे में, किसमें एक्सरे में। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है डाभिकीय संलग्न द्वारा। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से, ठीक है। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। एक किंतिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलिन, सौर सेलिन, ठीक है। आगे है आपका सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। प्रकाश वोल्टीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय विक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन विक्रिया में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। प्रकाश वोल्टीय विक्रिया प्रत्यावर्ती धारा एसी का जनन करती है, जबकि सौर तापीय विक्रिया दृष्ट धारा डीसी का जनन करती है। ये आपका गलत है। भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी के विनिर्माण आधार हैं किंतु प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी के लिए नहीं। ये भी आपका गलत है। सही कथन बताना था तो आपको बता दिया आपने, पहला कथन सही है। सोलर सेल में उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का, किसका सिलिकॉन का। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, फोटो वोल्टीय सेल संबंधित हैं सौर ऊर्जा से, किससे सौर ऊर्जा से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नाभिकीय रिएक्टरों में स्वपोषित श्रृंखला क्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। एक आपका सही है। न्यूट्रॉन विखंडन विक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेता है, गलत है। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं, ये भी आपका सही है। विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडित की शुरुआत करता है, ये आपका गलत है। तो इसमें से सही कौन कौन सा था, एक और तीन कथन आपका सही था, एक तीन कथन सही था। परमाणु रिएक्टर है आणविक भट्टी, ठीक है। नाभिकीय संलग्न रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, क्या करना है विचार। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, गलत है। साधारणता उनकी टोक मार्क डिजाइन होती है, बिल्कुल सही है। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, तो ये भी सही है आपका। यानी कि कह सकते हैं आप लोग कि केवल दो और तीन सही है, एक आपका गलत है, एक कैसा है गलत है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। ये नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यही अंतर है। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियां निदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं, रेडियो आइसोटोप्स हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है थोरियम, थोरियम, ठीक है। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम, कौन थोरियम। आगे है आपको सही कथन आपको चुनना है। इसमें प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम की कहीं अधिक भंडारण है, बिल्कुल सही कहा है। यूरेनियम की तुलना में आप थोरियम को ज्यादा देखेंगे, भारत की बात कर रहा हूं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये भी आपका सही है। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है, ये भी आपका सही है। यानी कि आप तीनों कथन सही लगाएंगे, तीनों सही है आपके। भारत अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर
का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालिक लाभ क्या होगा? यह विद्युत उत्पादन के लिए संलग्न फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम तत्व में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। कैडमियम नहीं आता है, कैडमियम नहीं आता है आपका। फिर है आपका मोनोजाइट, थोरियम, बेरियम, बेरिलियम, क्रोमियम में से अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है, तो ये नहीं है। क्रोमियम, क्रोमियम नहीं है, बेरिलियम भी है, थोरियम है, मोनोजाइट है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और हीलियम में से ईंधन नहीं है। हीलियम आपका ईंधन नहीं है। यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, रेडियम भी है। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम और प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कैल्शियम को नहीं किया जा सकता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा लेड में से परमाणवीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। लेड नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीनों यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम होता है। जर्कोनियम, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम और वेनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए प्रयोग उपयोग किया जाता है यूरेनियम को। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। ये आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम पर नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम पर का कार्यकारी सिद्धांत है। ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन, ड्यूटोरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम आपको देखने को मिलेगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आपका है आधारित है। ठीक है, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में अंतर है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम गिराया गया था। अब कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर सभी देशों के पास इतने परमाणु हाइड्रोजन बम हो चुके हैं कि इस धरती को 1,000 बार खत्म किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये हाल है, इसलिए आप सोचिए युद्ध इसीलिए रुके हुए हैं। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। इसमें यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा। क्या है? सीसा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय लगेगा कितना? 8 मंथ, 8 महीने। किसी विघटन नाभिक विघट नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष की होती है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बचता है वह है 1/16, यानी कि 16, ठीक है, 1/16 भाग। एक रेडियो धर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाता है, हो जाएगा। ठीक है, एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रियम और जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जर्कोनियम आपका रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी तीनों आपके एस्टेटाइन, फ्रेंसियम और ट्रिटियम, ये तीनों है आपके, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। यूरेनियम 233, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 में से वही यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है। तो आप याद रखिए यूरेनियम 235 का, 235 का उपयोग करते हैं आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूरेनियम लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है यूरेनियम। यूरेनियम रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरणें। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या करते हैं? अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी आपकी। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर मुंबई महाराष्ट्र में लगाया गया था। ये भी आपका कई बार क्वेश्चन बन चुका है और पूछता रहता है हमेशा। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर मुंबई। बार के वर्तमान निदेशक हैं, याद रखिए इसमें आपके बदलते रहते हैं, इसलिए इस तरह के आंकड़े आप लोग करंट से जुड़ा रहा करिएगा। ठीक है, कमलेश नीलकंठ थे, व्यास थे। ठीक है, बार
अभी आपको देखने को मिलेगा भाभा, इसका वार्क का मतलब होता है, आपको मालूम होना चाहिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, अजीत कुमार मोहंती के, अभी आपको डॉक्टर ए के मोहंती इसके निदेशक देखने को मिलेंगे। ठीक, तो जब भी आप पेपर देने जा रहे हैं उस समय आप लोग पेपर में देख लिया करिएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं क्योंकि बदलते रहते हैं, इनके बारे में कभी नहीं कहा जा सकता है कि एक क्लियर है। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस हैं भारतीय शोध रिएक्टर हैं। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयुक्त होता है यूरेनियम 238 कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु संयंत्र शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में, कहाँ? तमिलनाडु में। ये आपके सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये आपको कलपक्रम में देखने को मिलेगा, कलपक्कम। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको इलाहाबाद में देखने को मिलेगी। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी। ठीक है, इस तरह के लगाने के लिए आपका आ जाता है क्रम में। निम्नलिखित संगठनों पर आपको विचार करना है, परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरु जल बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। इनमें से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आते हैं, आपके चारों आते हैं, एक दो तीन चारों आते हैं आपके। ठीक है, एक दो तीन चारों। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। ठीक है, ये भी आपके सम्मिलित हैं, आपको बस याद रखना है। कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरापार गुजरात, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, ये भी आपके सम्मिलित हैं। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र राउतभाटा कोटा में देखने को मिलेगा। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश, यूपी। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र कलपक्कम, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। ठीक है, उपयुक्त में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित हैं नरोरा, नरोरा भी है आपका, घाटशिला ये नहीं है, कलपक्कम है, और नंगल ये नहीं है। तो इसमें आपका एक तीन होगा, नरोरा और कलपक्कम ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपके। भारत को वह परमाणु संयंत्र जो चार भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ये नरोरा है आपका। क्या है? नरोरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है, कैगा है, कैगा। तमिलनाडु के कोडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है। 6 इकाइयां, कितनी? 6 इकाइयां। याद रखिए, रूस हमारा अच्छा दोस्त हुआ करता था एक समय, आज आप देख रहे हैं कि थोड़ा अमेरिका की तरफ आपका झुकाव हो रहा है, तो रूस हमसे दूर होता जा रहा है। कलपक्कम के फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, यह है प्लूटोनियम। कलपक्कम के फास्ट वीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? प्लूटोनियम। इसमें केवल प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। सही है, बिल्कुल, माफ करिए, ये गलत है। क्या पूछ रहा है? कलपक्कम फास्ट वीडर रिएक्टर के विषय में उपयुक्त में से सही कथन आपको चुनना है, तो ये तो आपका गलत है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक है, होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, ये भी आपका सही है। तो इसमें आपको दो और तीन सही देखने को मिलेगी, दो और तीन। कलपक्कम के फास्ट वीडर रिएक्टर जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वह है दैवित सोडियम, दैवित सोडियम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, विमंदक की तरह, विमंदक की तरह। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी, भारी पानी। श्रीघोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, यह विगलन प्रक्रिया के द्वारा। एक बीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना कि वह जलता है। ठीक है,
द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब दूसरे देशों से प्रेस राइट हैवी वाटर रिएक्टर आयात करने की स्थिति में इन रिएक्टरों की क्षमता होती है या कि 240 मेगावाट से 5 अथवा 540 मेगावाट तक। ठीक है, काकरापार, कैगा, कुडानकुलम तथा तारापुर में शिवनापकीय शक्ति संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है, तो ये आप देखेंगे तारापुर की अधिकतम है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण सेकेंड परीक्षण किया गया था 11 मई 1998 को, पहली बार 1974 में, दूसरी बार आप देखेंगे 1998 में। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण स्थित है राजस्थान में। पोखरण स्थान जहां इस तरह के परीक्षण किए गए थे कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, आप जानते हैं राजस्थान को। देखिए, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, अगर हम मुझसे अगर कहीं भी क्वेश्चंस बताने में, आंसर बताने में धोखे से अगर गलती हो जाती है तो आप लोग सपोर्ट किया करिएगा, नीचे आप लोग कमेंट में लिख दिया करिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं आप लोगों के टाइम के लिए टाइम निकालता हूँ मैं ही जानता हूँ, और इसलिए मैं, आप सोचिए कि एक बार मैं लग जाता हूँ तो आपकी पूरी एक क्लास खत्म कर देता हूँ, और आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 घंटे बोलना कितनी बड़ी बात होती है। कभी कभी देखते हैं आप लोग कि 4 से 5 5 घंटे बोलना पड़ जाता है। रात में अगर मैं 12 बजे उठ जाऊं तो सुबह 4 से 5 बज जाते हैं, आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा, और सुबह जानते हैं आप लोग, सुबह के टाइम ही आप लोग शांति आप रहती है, इसलिए आवाज नहीं आती है, थोड़ा सुबह ही काम करता हूँ। तो ये सोचिए कि मुश्किल से 3 से 4 घंटे सोने के बाद, मैं मोदी जैसा नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री की, मैं 2 घंटे सोता हूँ, ठीक है, मैं एडजस्ट करता हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करता हूँ, इसलिए थोड़ा जो भी गलती हुआ करेंगे उसे आप लोग भी सपोर्ट किया करेगा। शुरू में मैंने कहा था कि हम लोग एक दोस्त की तरह हैं, अगर हमसे गलती होती है तो आप हैं, आपसे गलती होती है तो हम हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे। मुझे लगता है कि एक गाड़ी लेते हैं, बाइक, आप लोग तो उसमें 2 पहिए होते हैं, एक पहियों को निकाल दीजिए आप, तो मुझे नहीं लगता है कि आप बाइक चला पाएंगे। तो इस तरह से हम सभी जुड़े हुए हैं परिवार की तरह, किसी भी परिवार को कोई दिक्कत होती है हम सब सपोर्ट करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, चार्ल्स बेबेज द्वारा। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी कि कहने का मतलब है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया है डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने, डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ब्रिटेन में, कहा? ब्रिटेन में। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी जो है ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? जनरेशन के लिए इसका उपयोग होता है, जी का मतलब जनरेशन, जनरेशन आप कह देते ना 2G जनरेशन का, 3G 4G 5G कितने जी, समझ रहे हैं, उसी की बात कर रहा हूं। एक पेन ड्राइव, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक है, आप लोग जानते हैं कि पेन ड्राइव में कुछ भी डाल के आप उसे अलग से रख सकते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है। वैसे आपको बता दूं कंप्यूटर के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं, और आपके 23 24 टेस्ट लगाए थे जिसमें आप देखेंगे कि कम से कम मुझे लगता है कि 1500 के करीब क्वेश्चन आप सॉल्व करवाए होंगे, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं अगर अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक, बहुत विस्तार से पढ़ा दिया गया। एमपी को देखिए आप लोग, की एमपी बहुत विस्तार से पढ़ा दिया गया, मुझे नहीं लगता है कि अभी पीएससी में भी आपका क्वेश्चन उससे बाहर जाए, और यूपी में देख लीजिए, यूपी जी के तो कुछ ऐसे आपके टॉपिक हैं, इन सबको पढ़ा दिया गया, लेकिन यहाँ भी इसमें दिया गया बुक्स में, तो पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, और इनसे आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं, कौन सा इनपुट डिवाइस है, आउट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का सीधा सा मतलब लीजिए, एक कुकर को आप लोग ले लीजिए, कुकर यानी कि आप जो दे रहे हैं वो इनपुट, और जो आपको बदले में मिल रहा है वो आउटपुट। ठीक है, इनपुट और मिलने वाला आउटपुट। ठीक है, मॉनिटर, प्रिंट, माउस और प्लॉटर में से आउटपुट डिवाइस नहीं है माउस, क्योंकि माउस देखेंगे आप लोग इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर में आप स्क्रीन पर देखते हैं, कुछ कुछ भी सर्च करके देखते हैं, तब समझ रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, आउटपुट मिल रहा है आपको। प्रिंटर में आपको प्रिंट मिलता है। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, क्या? कीबोर्ड।
कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था किसका? लकड़ी का। माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना जाती है सीपीयू में। कीबोर्ड के केबल को कंप्यूटर के जिस पार्ट पर लगाते हैं वह है यूएसबी पोर्ट, जहां आप लोग लगाते हैं। आप देखते हैं यूएसबी लगाते हैं, उसी को कहते हैं यूएसबी पोर्ट। कंप्यूटर, सही कथन बताना है, आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है। और आप सुनते रहते हैं कि इस वायरस का हमला हुआ है, तो ये भी होता रहता है। यानी कि चारों कथन आपके बिल्कुल सही है। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत अव्यवस्थित निपटान के कारण ईव अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। कौन कौन से? बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और सीसा। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। इंटरनेट है कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। मुझे लगता है अभी यानी कि 21वीं सदी में आप खुद सोचिए कि आपका एक दिन अगर इंटरनेट नहीं चलता है तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, हम दुनिया से बिल्कुल कट चुके हैं। तो इतनी निर्भरता बढ़ चुकी है, समझ रहे हैं आप लोग। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन होती है डायल अप सर्विस। ये भी कई बार आपका एमपीपीएससी में कुछ ज्यादा ही इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अभी तो सिलेबस बदला हुआ है, अब देखिए कब होता है पेपर, उसके बाद मालूम चलेगा। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन क्या है? डायल अप सर्विस। प्रथम पेस्ट जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है गृह पेस्ट, होम पेस्ट, ठीक है, होम पेज। इंटरनेट सिस्टम प्रयोग करता है ट्री टॉपोलॉजी का। इंटरनेट कार्य करता है केबल पैकेट स्विचिंग पर। एमएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन हुआ था 1981 में। 1981 में ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच यह अंतर है कि ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करती है, और वाईफाई की बात करें तो 2.8 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ब्लूटूथ से वाईफाई थोड़ा ज्यादा है। गूगल की मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। वैसे अब तो आप देखते होंगे कि हर स्टेशन पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी। सही भी है यार, यह उच्च गति डेटा संचरण के लिए विकास को माध्यम के रूप में प्रयोग करता है वाईफाई के संबंध में बात कर रहा हूं। सही है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना तीव्रतर भी है। ये भी आपका सही है, यानी कि एक एक और दो दोनों सही है। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? निक नेट। ठीक है, आवासीय निजी परिपथ, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो उपयोगताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचनाओं को सुरक्षित भी रखता है। फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच पाई जाती है डाटा लिंक लेयर। तलाश क्या है? इंटरनेट पर एक मल्टीमीडिया पोर्टल तथा एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज OCR देवनागरी में सॉफ्टवेयर CDAC द्वारा संचालित होता है तलाश। ठीक है, साइबर आक्रमण और आंकड़ों की चोरी के डर से बचने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे कहते हैं नैन। क्या कहते हैं? नैन। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया पुणे ने। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहला कहा किसे कहते हैं? विजय भाटकर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन है? अनुपम। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 64 बिट। कितनी? 64 बिट। सबसे बड़ा और सबसे तेज और सबसे बड़ा महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। विश्व का द्रुतगम कंप्यूटर निष्पादित कर पाता है 93 पेट्राफ्लॉप्स। देखिए ये समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए करंट से जुड़ा रहना चाहिए आपको। ठीक है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर चीन का सनवे ताई हुलाइट। सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यू चीन से।
बाइटू के समस्या का संबंध ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य शून्य हो जाने की दिशा में उनकी परिस्थिति स्थानी ढूंढने से। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? यह है आपका क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर ये सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। बाइटू के कंप्यूटर, गठिया यूरिक एसिड, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, परम 10,000 सुपर कंप्यूटर, एडोब सॉफ्टवेयर है, ठीक है। WLL का पूरा क्या है? वायरलेस इन लोकल लूप। इसका इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? देहरादून में। देहरादून में ये आपके ऊर्जा का रूपांतरण युक्ति विक्रम हो गए। ऊष्मा से विद्युत सौर सेल करता है, ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है ऊर्जा को, विद्युत से ध्वनि में लाउड स्पीकर, द्रव्यमान से ऊष्मा में नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक ऊर्जा से रासायनिक से ऊष्मा एवं विकास में ईंधन दहन से, ठीक है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच सन स्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। वह उद्योग जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान का प्राथमिक प्रयोग करता है, बैंक। क्या है? बैंक। जिस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर। एक डिजिटल घड़ी हो सकती है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ये भी आपका क्वेश्चन कई बार बन चुका है, ठीक है। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है, सेमीकंडक्टर लेजर। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है लेजर प्रिंटर का। डेजी व्हील पेंटर एक इंपैक्ट पेंटर है, ठीक है। इंटरनेट पर WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये भी कुछ कई बार पूछ लेता है, लेकिन याद रखिए, सरल है लेकिन आपको याद रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ये आपसे पूछ लेता है कई बार, ये भी याद रखिए। टिम बर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ब्लूटूथ तकनीक है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण की अनुमति देती है। तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, इसे आप लोग अगर अपने दैनिक जीवन चर्या में फील करते हैं तो इसे आप लोग काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते रहा करिएगा, ब्लूटूथ आप लोग यूज भी तो करते हैं। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है उसको करने की दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। उपयुक्त में सही कथन चुनना है, तो चारों कथन आपके बिल्कुल सही है। चारों कथन कैसे हैं? बिल्कुल सही हैं आपके, ठीक है। फिर आपका साइबर स्पेस अपलोड, प्रकाशीय भंडारण तथा मॉडेम में से सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है। प्रकाशीय भंडारण नहीं है। क्या नहीं है? प्रकाशीय भंडारण। आगे है सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषिकी है, लॉगिन मॉडेम पासवर्ड। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली के भाग है प्रोटोकॉल लॉगिन आरजी। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संघ सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं, प्रोटोकॉल्स। साइबर लॉ की शब्दावली में DOS का मतलब होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। DOS का मतलब क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कई बार। स्पैम संबंधित है कंप्यूटर से। एक निश्चित पते पर किसी व्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है ईमेल बम्बिंग। याहू गूगल और MSN हैं इंटरनेट साइट्स हैं। गूगल ने जिस वेब ब्राउजर को विकसित किया है क्रोम। आप लोग यूज भी तो करते हैं गूगल क्रोम। वीमैक्स संबंधित है संचार प्रौद्योगिकी से। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, पर आप इसके वायरस को बचाने के लिए एंटी वायरस आप लोग यूज करते हैं। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस है
ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके और आपके जो भी प्रोग्राम, जो भी आपका डाटा होता है, उसे नुकसान भी पहुंचाने में ये सक्षम होता है। कंप्यूटर वायरस होता है, विनाशक प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस का मतलब होता है विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम। एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकते हैं, ये होते हैं वायरस। ठीक है, संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग बचाता है अनधिकृत आक्रमण से। अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसे कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है। इसे क्या कहते हैं? यूनिक्स। यूनिक्स एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई थी। ये 1990 की बात है। अब तो आप देखते हैं विंडो 10 भी चला रहे हैं आप लोग आजकल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है, यह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल मेमोरी। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बिट्स के द्वारा। ठीक है, द्विआधारी यानी कि बाइनरी संख्याएं होती हैं 0 और 1। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, एक 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 से, ठीक है, से व्यक्त किया जाता है। बाइनरी संख्या में बनी है 2 अंकों की 0 1। सेल्फ कॉम क्या है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है 5 2 1 1 कोड। ठीक है, 1+1 द्विधारी योग होता है 0 तथा कैरी 1। ठीक है, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। 8 बिटों के समूह को कहते हैं बाइट। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। बिट छोटा होता है बाइनरी डिजिट का। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट्स से। ठीक है, 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 बाइट। केबी, एमबी, जीबी, टीबी न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई है। केबी आपको देखने को मिलेगा, फिर एमबी देखते हैं आप लोग, फिर जीबी देखते हैं, फिर टीबी देखते हैं आप लोग। ठीक है, एक एमबी मेमोरी रहती है 1024 किलोबाइट्स के बराबर। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट होता है 10,48,576 बाइट के। 10,48,576 बाइट। ठीक है, 10 लाख बाइट्स लगभग होते हैं 1 मेगाबाइट। पद एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ड अथवा अंक का प्रतिनिधित्व करती है 16 बिट के समूह का। किसके? 16 बिट के समूह का। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार। डॉट नेट फेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, बिल्कुल सही है। जावासन माइक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसमें आप देखेंगे एक दो दोनों सही है आपके। क्या है? एक दो दोनों कथन बिल्कुल सही है। एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले अनन्य रूप से नेटवर्क निजी नेटवर्क का वर्गीकरण होगा। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लैन का तात्पर्य क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इस तरह के फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। एक डेटाबेस में फील्ड होता है जानकारी की श्रेणी, जानकारी की श्रेणी। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर शब्द में सीडी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है HTTP प्रोटोकॉल द्वारा। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप एवं डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का नया फॉर्मेट जो ब्लू रे डिस्क BD के नाम से जाना जाता है लोकप्रिय हो रहा है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है।
डीबीडी मानक परिभाषा वीडियो स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो को समर्थित करता है, जबकि वीडी उच्च परिभाषा वीडियो हाई डेफिनेशन वीडियो को समर्पित करता है। सही है, डीवीडी की तुलना में बीडी फॉर्मेट का भंडारण क्षमता कई गुना अधिक है, ये भी सही है। बीडी की मोटाई 2.4 एमएम है, जबकि डीवीडी की मोटाई 1.2 एमएम है, ये भी सही है। सॉरी माफ करिए, एक गलत है, एक और दो सही है, तीसरा कथन आपका गलत है। तीसरा कथन कैसा है? गलत है। प्रिंटर, कंपाइलर, माउस और कीबोर्ड में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, कंपाइलर नहीं है। क्या नहीं? कंपाइलर नहीं है। चुंबकीय टेप प्रिंटर, असेंबलर और सीआरटी में से हार्डवेयर नहीं है, असेंबलर। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल में से कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, एक्सेल नहीं है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, कंपाइलर तथा आंकड़े प्रविष्ट की युक्ति में सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं सीपीयू, यानी कि कंप्यूटर का दिमाग कौन है? सीपीयू। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस तथा प्रचालन तंत्र में से एक यंत्र सामग्री नहीं है, प्रचालन तंत्र। इंडेक्स होल संबंधित है फ्लॉपी डिस्क से, IRQ6 सामान्यता दिया जाता है फ्लॉपी ड्राइवर कंट्रोलर को। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शंस को प्रोग्राम नियंत्रित करता है, वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। क्या है? सीपीयू। सीपीयू का तात्पर्य है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वह सॉफ्टवेयर जो शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार और एमएस वर्ड। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, आप लोग इनका उपयोग भी करते रहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 प्रकार है फाइल के। TCP/DT संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है समेकित परिपथ। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका है समाकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, फिर भी कई बार पूछा जा चुका है। इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप का पर परत लगाई जाती है किसी की? सिलिकॉन की। एकीकृत परिपथ में उपयुक्त अर्धचालक चिप बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की। एक नवीन पदार्थ जिसका कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है सिलिकॉन। IC चिपों का निर्माण होता है सेमीकंडक्टर से। IC चिपों का निर्माण किससे होता है? सेमीकंडक्टरों से। IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। शब्द कथन है मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। कौन? मॉडेम। ठीक है, याद रखिए। फिर आपका वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, क्या कहलाता है? मॉडेम। क्या? मॉडेम। टेलीफोन लाइन की सहायता से विश्वभर के कंप्यूटरों के मध्य आंकड़ों का आदान प्रदान करने की वास्ते आवश्यक है, मॉडेम। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ता है, मॉडेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करता है और उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मॉडेम। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। राउटर, हब और स्विच में से कनेक्टिंग डिवाइस है, उपयुक्त सभी है। रोम मेमोरी केवल पढ़ने के लिए है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है कंप्यूटर प्रोसेसर के। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं रोम। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है पता। सीडी रोम का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संदर्भ में राम का अर्थ क्या? रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। कंप्यूटर की पावर बंद करने पर जिस शॉर्ट टर्म मेमोरी का डाटा स्वतः खत्म हो जाता है, वह है रैम। ठीक है, इसका जैसे ही आप लोग शट डाउन करते हैं या लाइट चली जाती है तो ये खत्म हो जाता है। ड्रम पेन प्लॉटर CRT, मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा में से आउटपुट युक्ति नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है सेल।
कोबोल है, कंप्यूटर भाषा है कोबोल, ठीक है। ओरेकल है, ये डाटा सॉफ्टवेयर है। बेसिक सी, फास्ट और फोर्टेन। मैं इस कंप्यूटर की भाषा नहीं है तो फास्ट नहीं है, बेसिक है, सी है, फोर्टेन है, ये कंप्यूटर की भाषा है लेकिन फास्ट नहीं है। जावा, सी प्लस प्लस, रोम, पास्कल, मैं से कंप्यूटर की भाषा नहीं है, रोम नहीं है, ठीक है। और बाकी आप देखेंगे जावा है, सी प्लस प्लस है, पास्कल भी है। बेसिक सी प्लस प्लस, जावा और फ्रेंड ब्रश में से कंप्यूटर भाषा नहीं है। फ्रेंड ब्रश क्या है? फ्रेंड ब्रश, ठीक है। बेसिक कोबोल, फोर्टेन। पास्कल में वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, फोर्टेन। मुझे लगता है देखिए विस्तार से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, कभी कभी एक किताब तो कम से कम पढ़नी चाहिए। कंप्यूटर से आपने एक किताब पढ़ ली, अब उससे संबंधित क्वेश्चन लगाते रहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपको मोस्ट बता दिए जाते हैं उनमें से भी हटकर, तो आपको कम से कम अंदाजा तो रहेगा कि आपने हाँ ये पढ़ा था, और आप सॉल्व करने की स्थिति में भी रहेंगे। तो थोड़ा विस्तार से पढ़ा करिएगा, शॉर्ट शॉर्ट में मत भीदा करिएगा, समझ रहे हैं। विस्तार से पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके क्वेश्चंस बेहतर स्कोर कर पाएंगे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन छूटने की स्थिति में नहीं होगा। बेसिक है, यह है प्रोजीरल भाषा। असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, इसका असेंबलर का काम है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? मशीनी भाषा। यदि किसी के डोमेन नेम के आखिरी में .edu .us है तो यह है यूएस ए में एक शैक्षणिक संस्था है। एडीयू आपका शिक्षा को दर्शाता है, शैक्षणिक संस्था को, ठीक है। किसी संगठन की वेबसाइट .com अंश सूचित करता है, कॉमर्शियल के लिए .com, ठीक है। वैलिड बेन डोमेन नेम एक्सटेंशन है .com .government और .net। फिर आपका पॉक्सी सर्वर TCP IP एड्रेस उपलब्ध कराता है, गलत है। पॉक्सी सर्वर क्लाइंट्स से प्राप्त अनुरोधों को अन्य सर्वरों को अग्रेषित करता है, तो केवल इसमें दो सही है, एक आपका गलत है, दो सही है, ठीक है। फिर आपका निकट क्षेत्र संचार, निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। सही कथन बताना है आपको, सही है बिल्कुल। NFC उन युक्तियों द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं, ये आपका गलत है। संवेदनशील सूचना भेजते समय NFC कोडीकरण एन कैप्शन का उपयोग कर सकता है, केवल इसमें 1 और 3 सही है, दूसरा आपका गलत है। दूसरा क्या है? गलत है। सिग्नल की शक्ति स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम उपयोग करते हैं रिपीटर का, किसका? रिपीटर का। कंप्यूटर शब्दावली में USB का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे कहते हैं USB, ठीक है। कंप्यूटर में जहां ऐसे सीरीज जुड़ती है उसे क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करता है वह है फिंगर, फिंगर। डिजिटल कंप्यूटर कार्य करता है लॉजिकल सिद्धांत पर, लॉजिकल सिद्धांत पर। कंप्यूटरिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग और आउटपुटिंग में से कंप्यूटर नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। कंप्यूटिंग है, प्रोसेसिंग है और आउट पुटिंग है। एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित होती हैं बग में, किसमें? बग करता है। देखिए आपका कंप्यूटर भी यहीं कवर करवा दिया गया है। OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तरक पत्र को जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है OMR सीट। आप लोग आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भरते हैं, जब पेपर देते हैं तो इसी का तो उपयोग करते हैं, तो बड़े ध्यान से भरा करिएगा। एक बार अगर गलत कर बैठते हैं तो उसमें सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है, इसलिए हमेशा अच्छे से भरिए बड़े सोच समझ कर। IRC का तात्पर्य क्या है? इंटरनेट रिले चैट। CAD का तात्पर्य क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। शासन के लिए कंप्यूटर के प्रयोग को कहा जाता है ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति यानी कि मेमोरी से। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज। कंप्यूटर में एक ही समय पर
एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है मल्टीमीडिया। क्या मल्टीमीडिया? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, वीडियो मेल से हम भेज सकते हैं, ग्राफिक से वीडियो क्लिप्स और वीडियो मैसेज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। आजकल आप देखते हैं सबसे अधिक इसी का उपयोग होता है। आप कॉल कर कम करके क्या करते हैं? डायरेक्ट वीडियो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य डिवाइस है वेबकैम। क्या है वेबकैम? ईमेल का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल पते के दो भाग होते हैं, एक आप देखते हैं प्रयोगकर्ता का नाम होता है, दूसरा आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है, ऐसे भी याद रखिए। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल, रेडिफ मेल और याहू। डिजिटल फाइलें जो ईमेल में संबद्ध हो सकती हैं, संगीत, डॉक्यूमेंट और फोटो। फाइलें जिन्हें ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जा सकता है, टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल। डाटा का एक वचन है डेटम। ब्लॉग शब्द जिन दो शब्दों का संयोजन से है वेब लॉग। वेब लॉग, ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टैक्सनेट वर्म कृमि है, ना कि यह सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक दोषपूर्ण प्रोग्राम, एक तरह से वायरस। कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया कहलाती है एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग, मेन्यू में सूची होती है कमांड की सूची। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। डिस्क स्पेस पर गूगल अल्टाविस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑर्कुट में से सर्च इंजन नहीं है, ऑर्कुट नहीं है, ठीक है। आप गूगल देखेंगे, अल्टाविस्टा देखेंगे, साइंस डायरेक्ट भी देखेंगे, ऑर्कुट सर्च इंजन नहीं है। बाइडू पैकेट्स कुकीज में से एक सर्च इंजन है, तो आप देखेंगे बाइडू। चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में रहेगा 30 दिन के लिए। सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये हम लोग दैनिक जीवनचर्या में भी इनका उपयोग करते रहते हैं, कभी कभी हमारे से इंटरव्यू में या क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग आसपास की चीजों के लिए जानने की उत्सुक रहा करिएगा कि क्या क्या होता है। आईसीटी का तात्पर्य क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। SMS का तात्पर्य क्या है? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। किसी अज्ञात अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश उसकी सहमति के बिना गोपनीय डाटा और जानकारी के साथ हस्तक्षेप करना क्या कहलाता है? हैकिंग। आप भी तो कह देते हैं कि हैकिंग हो गया, समझ रहे? कंप्यूटर हैकर है एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता और आपके किसी भी कंप्यूटर पर हमला कर देता है। साइबर क्राइम है, तो याद रखिए साइबर क्राइम में हैकिंग भी आपके शामिल है, स्टॉकिंग भी शामिल है, सर्विस आघात की मनाही, ये सभी आपके शामिल रहते हैं। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है हार्ड डिस्क पर। हार्ड डिस्क पर कंप्यूटरों को जाल किरमिट करना है, सही कथन चुनना है। खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन अभिगमन की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। ABC तीनों आपके सही है। क्या है? तीनों सही है। योजना बनाने में प्रयुक्त डाटा यंत्र प्रयाग कहाँ जाता है? निर्णय विश्लेषण यंत्र में। निर्णय विश्लेषण यंत्र में, ठीक है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है एनालॉग कंप्यूटर को। एनालॉग कंप्यूटर को सबसे कम एक्सेस समय है कैश मेमोरी का। किसका? कैश मेमोरी का। हार्ड डिस्क, DVD, ROM, कैश मेमोरी। स्टेटिक रैम में से सबसे तेज मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से काम कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, बेसिक यूनिट में से कंप्यूटर का घटक भाग नहीं है तो बेसिक यूनिट नहीं है, ठीक है। बाकी इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने का एक संस्था। विप्रो कंपनी के प्रमुख हैं अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है एम जंक्शन। स्काई ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है माइक्रोसॉफ्ट की। कभी कभी समाचारों में देखने वाला प्रोजेक्ट लून संबंधित है, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। HTML का विस्तृत रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का विस्तृत नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
एफ टी पी का क्या नाम है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस एम पी एस का क्या नाम है, फुल स्विच मोड पावर सप्लाई। यूपीएस का पूरा नाम क्या है, अन इंटर पिटेड पावर सप्लाई। फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कथन नहीं है, यह सामान्य यांत्रिक डिस्क ड्राइव से अधिक सस्ता होता है, ये गलत है। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है, मदरबोर्ड। क्या, मदरबोर्ड। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है, आईबीएम सिस्टम, आईबीएम सिस्टम 360। ईएक्स और ओआर फंक्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यक होती है, न्यूनतम 4 NAND गेट की। व्यापक पैमाने पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाली कंप्यूटर वायरस में से एक ही डिजाइन एमएस डॉस को 6 मार्च 1992 को संक्रमित करने के लिए की गई थी। वायरस का नाम क्या था, इसका नाम था माइकल एंजिलो, माइकल एंजिलो। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इनका दिवसों का मनाना के सीधा सा मतलब होता है कि जनता को जागरूक करना है, इनके प्रति समझ रहे हैं, जनता तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है, आकाश के बारे में। एक तरह से एक सरकार की तरफ से बनाया जाता है, एक तरह से आकाश को आप लोग भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, पढ़ने के लिए काफी मददगार भी होता है, स्टूडेंटों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है इसे। विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति है, आंध्र प्रदेश सरकार की। किसकी, आंध्र प्रदेश सरकार की। विद्या वाहिनी परियोजना बल देती है कंप्यूटर शिक्षा पर, किस पर, कंप्यूटर शिक्षा पर। ये आपके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके, इन्हें भी देख लीजिए, इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, इन्हें अच्छी से तरह से याद रखा करिएगा इस तरह के पॉइंटों को। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। ठीक है, भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। एक बात और जानते हैं आप लोग, 1975 में एक बहुत बुरी घटना घटी थी, आपने देखा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के समय, सबसे बुरा टाइम कहा जाता है उसे, समझ रहे हैं। इनसैट 3C को प्रक्षेपित किया गया है कोरू से, सही सम्मिलित है। कॉस्मिक बैकग्राउंड उपग्रह कार्यक्रम एक्सप्लोरर, फैलकॉन, समुद्रगत केबल तंत्र डिस्कवरी, अंतरिक्ष शटल अटलांटिस, अंतरिक्ष शटल है। ठीक है, ये भी सम्मिलित है आपकी। क्यूरियोसिटी रोवर यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। नासा, याद रखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो हमारी एजेंसी है भारतीय। मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। रोस्तम डीआरडीओ का मानव रहित वायु यान है। आकाश 2 टैबलेट है। ठीक है, नासा का, नासा अंतिम अंतिम अंतरिक्ष यान है अटलांटिस। ठीक है, अंतरिक्ष यान हो गए, उपयोजन हो गए। कैसिनी हाइगेंस शनि ग्रह पर भेजा गया मानव रहित अंतरिक्ष यान है। वोयेजर 1 और 2 बाह्य और परिवार का अन्वेषण है, इसके बारे में जान लीजिए। अंतरिक्ष उपयुक्त में वैज्ञानिक जिन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं वह हैं, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलता है, ये सही है। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का आकलन, ये भी सही है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति, गलत है। अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटकों का होना, ये भी गलत है। तो इसमें आपका 1 और 2 होगा, 1 और 2। टिम पीक को जाना जाता है अंतरिक्ष यात्री के रूप में, टिम पीक को क्या, किस नाम से जानते हैं, जाना जाता है किस लिए, अंतरिक्ष यात्री के रूप में। ठीक है, नया नाम कल्पना 1 दिया गया है मैट सेट को, मैट सेट को। निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, भारत ने सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का प्रक्षेपण किया, बिल्कुल सही है। पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV-C4 ने भू समकालीन कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया, ये भी आपका सही है, यानी कि दोनों सही है। याद रखिए हमारी यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी जो भी सैटेलाइट भेजती है बहुत सस्ती कीमत पर भेजती है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो भी बाहरी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो हमारे यहाँ के जो भी सैटेलाइट जाते हैं उन्हीं के साथ अपने सैटेलाइट भिजवाती है। ठीक है।
हमारे यहाँ आप डॉक्टरी की भी देखिए कि LRB सस्ता होता है, तो कई देशों के लोग हमारे यहाँ LRB करवाने आते हैं। ये अलग बात है कि हमारे देश के नेता बाहरी देशों में जाते हैं, उनके पास पैसा होता है, वो पैसा कोई तसला डाल के या किसानी करके नहीं आता है, वो पैसा ऐसे आता है, आप समझते हैं, मुझे लगता है बेहतर मुझसे। अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर से प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाएं तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एकड़ पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है, इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तुल्यकारी उपग्रह लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। संगीत के FM संचरण के उत्तम प्रकार का होने का कारण है कि वायुमंडलीय अथवा कृत्रिम सोर्स जो सामान्यतः आवृत्ति परिवर्तन के रूप में होता है, इसके लिए अधिक हानिकारक नहीं होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? केवल दूसरा सही नहीं है, एक आपका सही है। देखिए, इसीलिए कहता हूं कि इस पॉइंट को बड़े ध्यान से पढ़ दिया करिएगा। अब आपको ध्यान में आ गया होगा कि अगर आपसे पूछता कि सही है तो आप एक लगाते, लेकिन यहां पूछा है सही नहीं है तो आपने केवल दो कथन लगाया। ठीक है, दूर संचार का प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू आप प्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भू तुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होती है और कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की समतल होती है, तब होती है। भू स्थितिक स्थिति है जब कोई पदार्थ पृथ्वी की चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति को से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। ठीक है, ये आपके निम्नलिखित कथनों पर आपको गलत करना है, सॉरी कथन पर विचार करना है, गलत नहीं करना है। विज्ञान रेल वैज्ञानिक और तथा प्रौद्योगिकी औद्योगिक अनुसंधान परिषद का आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है, सही नहीं है। विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसरो का शैक्षणिक उपग्रह 2004 में फ्रेंच गुआना से छोड़ा गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन है? कोई भी नहीं। क्या है? कोई भी कथन सही नहीं है इसमें। इसे भी देख लीजिए, वह आरेख जो अंतरिक्ष में तुल्यकारी उपग्रह के पथ का अधिकतम सही निरूपण करता है, वृत्ताकार, वृत्ताकार, वृत्त का आकार। कई शब्द ऐसे होते हैं कि उनकी भाषा एक तरह से उनका अर्थ उन्हीं में छुपा रहता है। वर्गाकार, वृत्ताकार, चित्राकार, दस अवतार, पुरुषोत्तम श्री राम, पुरुषों में उत्तम, समझ रहे हैं? वह वायुमंडलीय पर्थ जिसमें संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं, एक्जो एक्जो स्फीयर बहिर्मंडल में। ठीक, एक भूस्थिर उपग्रह का काल होता है 24 घंटे का। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का परिवर्तन किया पृथ्वी तुल्य ग्रहों को जानने के लिए। भारत द्वारा प्रमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है। USA और रूस के अलावा केवल भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंतरिक्ष में उसी प्रकार की वेधशाला प्रमोचित की है, गलत है। एस्ट्रोसैट में 2000 किलोग्राम का एक उपग्रह जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर एक कक्षा में स्थापित है, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। एक बात आप लोगों को पता है, कुछ समय के बाद अभी भी आप लोग छुट्टियों के दिन में आपको टाइम मिलता है तो आप किसी पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा कि आप अंतरिक्ष पर भी जाएंगे, यानी कि हो सकता है कि मंगल ग्रह पर भी आप लोग अंतरिक्ष यात्री यानी कि अवघटन के लिए एक तरह से पर्यटन के लिए चले जाएंगे, घूमने के लिए, इस तरह की सुविधा बनाई जा रही है। जब INSAT-3B लॉन्च किया गया था उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थी? के कस्तूरी रंगन। आपने देखा है जो 2020 में अभी जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई हुई है मसौदा, इन्हीं के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता के जो भी मसौदा उन्होंने तैयार किया था उसी के आधार पर आई हुई है। आप लोग जाकर देख लें, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको और बहुत कुछ जानने के लिए। और अगर ऐसा हो जाता है, अब देखिए आप जानते हैं कि योजनाएं आना, नई शिक्षा नीति आना, नए नए काम होना, ये होते रहते, लेकिन धरती पर कितने लागू हो रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताता है।
तो 6% का फिर से लक्ष्य रख दिया गया जीडीपी के 6% खर्च करने का शिक्षा पर। लेकिन आप जानते हैं कि 1968 से ही रखा गया था ये, तो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। 1 से 1.5%, 2% तक होता है, तो ये तो आने वाला दिन ही बताएगा, वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन है, डॉक्टर के सिवन। कथन ए, ये बदलते रहते हैं याद रखिए हमेशा, इसलिए आप लोग करंट में जब भी पेपर देने जा रहे हैं उस समय आप लोग जरूर देख लिया करेगा। भारत के टेलीकम्युनिकेशन को उपग्रह से जोड़ दिया गया, सही है। भारत स्टार वार की तैयारी कर रहा है, ये आपका गलत है। सही कथन सही है लेकिन कारण गलत है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था बैकानूर से, कहां से? बैकानूर से। भारतीय दूर संवेदन IRS उपग्रह का प्रयोग किया जाता है फसल की उपज के आकलन में, भौम जल ग्राउंड वाटर संसाधनों के स्थान निर्धारण में और खनिज के अन्वेषण में, वनों के लिए भी इसका उपयोग कर देते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत ने वर्ष 1994 की अवधि में अपनी इस क्षमता को प्रदर्शित कर दिया है तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपित करके। याद है कि अब आप लोग जब भी वन सर्वेक्षण सुनते हैं, फसल के बारे में सुनते हैं कि सर्वेक्षण आया हुआ है, तो कैसे आता है? कोई व्यक्ति तो जाके गिनती नहीं करता होगा कि इतने वन है इस क्षेत्र में ऐसे, तो आजकल यही सैटेलाइट के द्वारा होता है आपका। तो एक तरह से सैटेलाइट बहुत महत्वपूर्ण है। अब कहा जा रहा है कि अब सामने आमने सामने की युद्ध नहीं होंगे, अब अंतरिक्ष युद्ध होंगे, समझ रहे हैं? अगर आपने किसी के सैटेलाइट खत्म कर दिए तो एक तरह से उस देश को हरा दिया, यही उद्देश्य रहेगा। इसरो द्वारा 22 दिसंबर 2005 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया इनसेट 4A का। एपोसिस कैसिनी स्पितजर और टैक्सार में से एक अंतरिक्ष यान है कैसिनी है, कौन सा है? कैसिनी, ठीक है। कथन ए, अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भूस्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, बिल्कुल सही है। कारण आर की बात करें तो जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। ए और दो आर दोनों सही हैं और आर ए भी सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। एप्पल IGMD स्टेट और साइट उपयुक्त भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम बताना है आपको, तो सबसे पहले साइट उसके बाद स्टेप फिर आप देखेंगे एप्पल उसके बाद IGMD, ठीक है। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कोरू फ्रेंच गुहाना से। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, यह है 19 जून 1981 की बात, ठीक है। भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण किया गया था, आप जानते हैं कि 12 जून 1990 को। इनसेट 2A छोड़ा गया था कब? 10 जुलाई 1992 को। इनसेट 4C जो हाल ही में अपने निर्धारित कक्ष में प्रस्थापित नहीं हो पाया उसका भार था 2168 किलोग्राम। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNS-1A छोड़ा गया था, कहां से? श्रीहरिकोटा से। PSLV ASLV और SLV GSLV भारत में कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया है, उपयुक्त ABCD यानों के बाद बनाने का सही क्रम बताना है। तो इसमें आप देखेंगे SLV उसके बाद देखेंगे ASLV फिर आप देखेंगे PSLV और फिर आप देखेंगे GSLV यानी कि CBAD इसका सही क्रम है, ठीक है। ये भी आपके सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है। प्रक्षेपण यान सैटेलाइट उपग्रह प्रक्षेपण यान 3SLV ये आपकी रोहिणी इसके द्वारा छोड़ी गई थी। संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान ASLV सरोस सी चंद्रयान फर्स्ट ये ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के द्वारा छोड़ा गया था PSLV के द्वारा। भू समकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV EDU सेट इसके द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। ये सैटेलाइट है आपके और इसके द्वारा छोड़ा गया प्रक्षेपण यान के द्वारा। नीचे दिए गए मानचित्र में अंतरिक्ष संगठन इकाइयों की अवस्थिति 1, 2, 3, 4 करके है, 1, 2, 3, 4 क्रमशः स्थिति है किसकी? ए आपकी देखेंगे IIRS और आपको SAC यहां देखने को मिलेगा और NRS आपको यहां देखने को मिलेगा, इसरो आपको यहां देखने को मिलेगा, ठीक है। इसरो के मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में स्थित है जो अवस्थित है कर्नाटक में। ये संस्थाएं हो गई और एक तरह से आपका स्थान हो गया, संस्थाएं और स्थान, ठीक है।
इसरो बेंगलोर में आपको देखने मिलेगा, IUCA पुणे महाराष्ट्र में, IUAC नई दिल्ली में, और BSSC तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इस भी सही सम्मिलित है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र ये बेंगलोर में देखने को मिलेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा। त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रतिरोधक के अनुसंधान से तथा उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित है। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कथन ए, एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नयोत्तर बनाई जाती है और नीचे की सतह नतोत्तर बनाई जाती है। बिल्कुल सही है। कारण आर क्या कह रहा है? सी भाग टॉप पर वायु प्रवाह की द्रुति गति कम होती है और इसलिए अधोभाग में शीर्ष भाग से दबाव कम रहता है। नहीं, इसमें केवल आपका ए सही है और आर आपका गलत। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। कैसा? नारंगी। चंद्रयान चंद्र में कब पहुंचा था? 8 नवंबर 2008 को। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? चंद्रयान। चंद्रयान एक का प्रक्षेपण किया गया था आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान टू के प्रोजेक्टर डायरेक्टर थे डॉक्टर एम अन्नादुरे। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान को मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। ने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रमण कराने वाला दूसरा देश बन गया है। ये आपका गलत है। ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपनी अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्रमण कराने में पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली है। ये इसमें आपका 1 और 3 सही है। 1 3 सही है, दूसरा केवल आपका गलत है। चीनी अंतरिक्ष यान शेंझाओ 7 के बारे में सही कथन है। इसको लॉन्च मार्च 2F नामक रॉकेट से छोड़ा गया और पहली बार चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया और अंतरिक्ष यात्री साकुशल पृथ्वी पर भी लौट आए। अगस्त 2016 में चीन ने मिसियस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की थी जो एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। ठीक, नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है पासाडेना में। पासाडेना में ग्रेट लाइटनिंग 10 GL-10 जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख था, ये नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान है। ठीक है, नासा का डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन जिस धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह क्या है? टेम्पल 1। नासा के मंगल ग्रह परयान का नाम क्या है? फीनेक्स। फीनेक्स मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकी रोवर क्या था? स्पिरिट। स्पिरिट। नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए जाने के लक्षणों में सम्मिलित है जल, जिप्सम और मेथेन। याद रखिए, अगर मानव जिंदा रह सकता है किसी और ग्रह पर पृथ्वी के अलावा तो मंगल ग्रह। इसलिए आप देख रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया जा रहा है, अपने अपने अंतरिक्ष यान भेजे जा रहे हैं वहां की परिस्थिति के बारे में जानने के लिए। हो सकता है कि एक दिन हमें ऐसी जरूरत पड़ जाए कि एक और पृथ्वी की जरूरत पड़ जाए, तो चलिए मंगल ग्रह तो रहेगा। समझ रहे हैं? मेथेन उपस्थिति है वायुमंडल में बृहस्पति के। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया के ईंधन टैंक को भरा गया द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। वह जानवर जो 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया था लाइका नामक कुतिया। समझ रहे हैं? तो आप समझिए अंतरिक्ष में कुतिया भी मतलब डॉग भी हो आया। एक अब भेजा गया था 3 नवंबर 1957 को। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया था 21 दिसंबर 1968 को। चंद्र कक्षीय मिशन की सीलेन फर्स्ट है जापान का। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन चुनना है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। बिल्कुल सही है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन के साथ ले जाता है। ये गलत है, तो इसमें केवल आपका 1 सही था। ठीक है, समता मंडल के निचले
भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण करना है आपको। समताप मंडल के निचले भाग में बादल और जलवाष्प नहीं होते हैं, और समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन भी नहीं होती, इसलिए आसानी से उड़ते रहते हैं। तो आपसे पूछे कि जेट विमान कहाँ उड़ते हैं, तो याद रखिए समताप मंडल में। जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी निर्देश व्याख्या हो सकती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होता है, और नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी लंबी रूपी हवाएं भी नहीं चलती हैं। ठीक है, जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। स्टेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है पुलिकट झील में। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र में, कहाँ? श्रीहरिकोटा में। गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा विषय रहती है, यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। ठीक है, यूरोप संघ की यानी कि यूरोप की। अगला पॉइंट है आपका क्रायोजेनिक ताप से आशय है उस ताप से जो -150 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठीक है, -150 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। न्यून तापमापों क्रायोजेनिक्स का अनुपयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा में भी, चुंबकीय प्रोत्थापन पर भी, और दूर मिट्टी में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, निम्न तापी इंजनों का अनुपयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में और द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। ठीक है, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे आप देखेंगे प्रदूषण ना के बराबर फैलती है, समझ रहे हैं। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में, स्पेस शटल में। रॉकेट नोदकों के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रीसेट टू उपग्रह कक्षा में पीएसएलवी C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। बिल्कुल सही है। एक दूसरा उपग्रह अनुसेट भी पीएसएलवी C-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था, यह भी सही है। अनुसेट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है, यह भी सही है। रीसेट टू एक खोजी उपग्रह है, देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम भी है। तो इसमें आपके चारों कथन सही है। क्या है? 1, 2, 3, 4 चारों कथन बिल्कुल सही है। भारतीय उपग्रहों और उनके प्रक्षेपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और सही कथन चुनना है। इनसेट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। पीएसएलवी का उपयोग IRS श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए किया गया, यह सही है। भारत में GSLV के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग किया गया। 2001 में छोड़े गए GST में अंकरीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार पी लोड है, ये सही है। इसमें आप देखेंगे 2, 3, 4 सही है, 1 आपका गलत है। 2, 3, 4 कैसा है? सही है। RS-D1 IRS-1D और INSAT-2D में से अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है, SLV-3 नहीं है। ठीक है, GSLV-D2 जो हाल ही में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया है स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। ठीक है, आगे है शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया है। यह उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था कोरू से। कहां से? कोरू से। भारतीय उपग्रह GSAT-7 अनन्य रूप से बनाया गया सैन्य संचार के लिए। किसके लिए? सैन्य संचार के लिए। याद रखिए जो सैटेलाइट जिस क्षेत्र से संबंधित है उनके बारे में भी याद रखिए, कई बार आपसे पूछ लेता है। अब एजुसेट के बारे में पूछ लेगा कि किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित, सेना से संबंधित, तो आप बताएंगे कि शिक्षण सेवाओं से संबंधित। अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन
जो हाल ही में चर्चित है वह है इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल है जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमता है। ठीक है, इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रह की सूची उनके प्रेक्षण की दिनांक के साथ नीचे दी गई है। ए उपग्रह हो गया आपके, ए प्रेक्षण की दिनांक हो गई। जी सेट 2 ए 8 मई 2003, जी सेट 4 15 अप्रैल 2010, जी सेट 5 पी 25 दिसंबर 2010, जी सेट 12 ए 15 जुलाई 2011 को छोड़े गए थे। इनमें से उपयुक्त में से जो दो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे वे कौन से हैं? ए आप देखेंगे 2 और 3। कौन कौन से? 2 और 3, यानी कि कहने का मतलब है कि आपका G-SAT-4 और G-SAT-5P। ठीक है, वह उपग्रह जो 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था, यह था G-SAT-10 29 सितंबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत की ट्रैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नांग, कौन सी है? नांग। ये सम्मिलित हैं, बस आपको याद रखना है। पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र है, त्रिशूल सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र है, पिनाका बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है, नांग की बात करें तो पृथ्वी टैंक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, अग्नि आकाश पिनाका और नांग में मिसाइल नहीं है, तो आप जानते हैं कि पिनाका मिसाइल नहीं है, ये आप देखेंगे बहु नाली रॉकेट प्रणाली है। ठीक है, सुमिलित है त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, अग्नि माध्यमिक परास्त प्राक्षेपिक निकाय और नांग टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, अब बात करते हैं आप अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक आकाश से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बिल्कुल सही है। यह स्वदेश में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा निर्मित की गई है, यह भी सही है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर में से 20 मई 2011 को किया गया था, यह भी आपका सही है। यह 90 किलोमीटर की दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है, ये आपका गलत है। इसमें डी गलत है और ए बी सी दोनों सही, तीनों सही है आपकी, ए बी सी। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, DRDO के द्वारा जो मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है वह है त्रिशूल। त्रिशूल वह दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया है, एक है पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है नांग। नांग अग्नि नाम जुड़ा हुआ है भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइलों से, आप देखते हैं ना कि 1 2 3 अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 3 अग्नि 4 अग्नि 5, समझ रहे हैं यही। इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है, बिल्कुल सही है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता, ये गलत है। टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है, बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन इसमें पूछ रहा है, ये भी सही है, इसमें पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से असत्य है यानी कि गलत है, तो आप देखेंगे बी गलत है। ठीक है, बी गलत है, और सही क्या है? ए सी डी सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है विचार। वर्ष 2006 में भारत ने रॉकेट कार्य क्षेत्र में पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया था, बिल्कुल सही बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्य क्षेत्र में निम्न ताप अवस्था के प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली है, ये गलत है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन केवल एक आपका सही है। ठीक है, केवल एक। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयर लिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा, यूएसए के द्वारा। ठीक है, यूएसए के द्वारा, अमेरिका नासा अंतरिक्ष एजेंसी, समझ रहे हैं? काफी, अब आप भी काफी अच्छे स्कोर, एक तरह से आप भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हम लोग भारतीय अभी। पृथ्वी सेकंड से लैस होने पर IAF विश्व की एकमात्र वायुसेना है जिसका कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्राक्षेपी प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है, बिल्कुल सही है। Sukhoi-30 MKT जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाली सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र मिसाइल का प्रक्षेपण कर सकता है, ये भी आपका सही है। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है,
उसका फरास 30 किलोमीटर है। ये आपका गलत है। स्वदेश में निर्मित INS प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाली पिच्छेपास्ट मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। ये भी सही है। भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में उपयुक्त में से सही कथन नहीं है। तो आप देखेंगे ए बी डी सही है, लेकिन सी इसमें गलत है और आपसे पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? सी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें सही कथन बताना है आपको। क्या करना है? सही कथन। नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी सेकेंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया। बिल्कुल सही है। पृथ्वी सेकेंड एक थल से थल मिसाइल है, वह महानगरों पर हवाई हमलों से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। ये गलत है। तो इसमें केवल एक कथन आपका सही है। भारतीय वायुसेना का विमान जो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है, यह LUCN IL-78। इस नाम को भी याद रखिए। समझ रहे हैं? जैसे आप सोचिए कि ऊपर उड़ रहा है कोई विमान, उसमें ईंधन की जरूरत है, तो इस तरह की भी तकनीक होनी चाहिए ना। सुमिलित है, अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है, आवाक्स ये इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु है, एटलस सेंटोर ये अमेरिकी निम्न ताप की रॉकेट है। ठीक है, भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है INS चक। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है INS सिंधु रक्षक। अग्नि फर्स्ट पिछे पास जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था, उसकी मारक क्षमता है 700 किलोमीटर से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम। कह सकते हैं 700 से 2000 किलोमीटर के बीच। ठीक है, एक स्वदेशी निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है, का भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था, इसका नाम क्या है? अग्नि फर्स्ट। अग्नि फर्स्ट। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, कि मारक क्षमता कितनी है? 350 किलोमीटर। और आप याद रखिए अग्नि 5 है, जो 5000 से भी ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। समझ रहे हैं? भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है, को नाम दिया गया है अग्नि 3, सॉरी अग्नि 2। ठीक है, क्या होता है कि जितनी विकसित प्रणाली होती जाती है उसी के साथ नाम बदलते जाते हैं, अग्नि 1, अग्नि 2। पहले आप जानते हैं कि पहला विश्व युद्ध हुआ जब उसे महायुद्ध कहते थे, ना कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो पहले को पहला नाम दे दिया, दूसरे को दूसरा नाम दे दिया, अब तीसरा होगा तो उसे तीसरा नाम दे देंगे। ठीक है, हंसा 2 नाम है एक प्रशिक्षण यान का, एक प्रशिक्षण यान का हंसा 2 नाम है। ठीक है, ये सुमलित है, आपको बस याद रखना है। अर्जुन स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है, सारस स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है, ऑपरेशन सीवर्ड कारवार में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है, फाल्कन इजराइल द्वारा निर्मित हवाई द्वीप हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली है। ठीक है, भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा कहां से? इजराइल से। इजराइल से आपकी अच्छी खासी दोस्ती है इजराइल से। भारत ने वराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है कहां से? इजराइल से। भारत ने वराकेट मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है इजराइल के सहयोग से। इजराइल के सहयोग से भारतीय नौसेना के लिए चाल कर रहित हित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है इजराइल के सहयोग से। आधुनिक टैंक है अर्जुन, स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई प्रथम T-90S योद्धक टैंक को नाम दिया गया है भीष्म। क्या? भीष्म। 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र फर्स्ट के बारे में निम्नांकित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथन चुनना है। इसमें क्या करना है? सही कथन बताना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसकी पारस 200 किलोमीटर सॉरी 700 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। यह अंतरिक्ष में 8:45 प्रातः उड़ीसा के वीला द्वीप परिसर में छोड़ा गया था। तो आपसे टाइम भी पूछ ले तो आप लोग याद रख सकते हैं, उड़ीसा के वीला द्वीप से छोड़ा गया था, इसे जरूर याद रखिए। यह 2 चरण वाला एक प्रक्षेपास्त्र है जिसका प्रथम चरण में द्रव प्रेरोधक रॉकेट मोटर और द्वितीय चरण में ठोस प्रेरोधक रॉकेट मोटर होती है। ये आपका गलत है। तो इसमें आपका केवल 2 और 1 सही है, 3 गलत है, 1 2 सही है। अग्नि सेकेंड प्रक्षेपास्त्र को प्रक्षेपित किया गया था चांदीपुर से उड़ीसा। अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का परास है लगभग कितना? 2000 किलोमीटर। अग्नि फोर पिछेपास्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह धरातल से धरातल तक मार करने वाले पिछेपास्ट थे,
इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। यह 1 टन नाभिकीय वारहेड 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। उपयुक्त में से सही कथन केवल आपका यह है, यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला पीछे पास है, ठीक है, केवल एक, दो और तीन इसमें गलत है। अग्नि फाइल मिसाइल के विषय में सही कथन नहीं है, यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यानी कि यह पूर्णतः स्वदेशी है, समझ रहे हैं आप लोग इसमें, लेकिन गलत पूछा है तो स्वदेशी नहीं है, ठीक। इंद है, इंद क्या है, रडार है इंद। मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण हवा से हवा में मारक पिच्छेपास्त का नाम था, क्या था इसका नाम, अस्त अस्त। वह पिच्छेपास्त जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक रक्षा अधिकारियों ने 21/1/1996 को चांदीपुर से किया था, पृथ्वी सेकंड, पृथ्वी सेकंड। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने जो लड़ाकू वायुयान उड़ाया था वह कौन सा, Sukhoi-30MKI, ठीक है, Sukhoi-30MKI, इससे भी याद रखिए। अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए रोक लगाया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पर। अब आप लोग कहते हैं कि इतने पॉइंट कैसे याद किया जाए, तो बेहतर यही है कि आप एक से दो आज देख लिया करेगा, उसके मुझे लगता है कि देखने के बाद आपको बहुत आधे से अधिक पॉइंट अपने आप याद हो जाएंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं कि बाकी पॉइंटों को आप थोड़ा जोरदार देकर देखिए और रट सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है यहाँ। भारतीय पिच्छेपास्त के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कहलाता है डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम। सौर जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया, ये है थल से थल पर मार करने वाले पिच्छेपास्त। आप जानते हैं कि चंद्रयान फर्स्ट भी 2008 में ही छोड़ा गया था, ठीक है। सौर के संबंध में सही कथन नहीं है, यह 90-900 किलोमीटर तक मार्ग कर सकती है, ये गलत है, ठीक है। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सौर मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है, गलत है। सौर मिसाइल की बरास 1600 किलोमीटर से अधिक है, यह भी गलत है। यानी कि आपके सही कथन पूछ रहा था, लेकिन ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। देशज तकनीक से विकसित तेजस है, एक हल्का लड़ाकू विमान है। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई लड़ाकू कौन सा है, हवाई जहाज तेजस। एडमिरल गोर्स को नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्त लगाने वाले एक जलयान को तट रक्षक दल में सम्मिलित किया गया, किसका नाम क्या है, विश्वस्त विश्वस्त। INS शक्ति है भारतीय नौसेना का एक तेल वाहक पोत, ठीक है। INS अस्त्रधारिणी का जिसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख था, एक टॉरपीडो प्रमोचन और पुनर्प्राप्ति जलयान है, ठीक है। ब्रह्मोस भी कहते हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है, ये भारत और रूस द्वारा। आधुनिक ब्रह्मोस पराधुनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से विकसित की है रूस के साथ मिलकर, किससे, रूस। ब्रह्मोस है एक पिछे पास्त। ब्रह्मोस के संबंध में सही कथन नहीं है, इसकी फ्लाइट परास 400 किलोमीटर है, ये गलत है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल प्रक्षेपण किया गया पोखरण से, कहां से, पोखरण से, राजस्थान। डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DIDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम क्या है, लक्ष्य लक्ष्य। तकनीक युक्ति जिसे नेत कहते हैं के बारे में सही है, यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है, ठीक है। आपके यहाँ नीचे कथन दिए गए, जो कथन ऊपर दिए गए F-18 सुपर हार्नेट के बारे में सही नहीं है, यह एक लड़ाकू विमान है जिसे US एरोस्पेस कंपनी ने बनाया है, गलत है। इसे रात बदिन दोनों समय प्रयोग में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसे संचार की 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं, ये भी सही है। इसे HAL बोइंग कंपनी की सहायता से बना रहा है, ये भी सही है। तो इसमें BCD सही है, लेकिन ए इसमें गलत है, ठीक। ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है, पोखरण में वर्ष 1998 में जो हुए परमाणु अभियान को ऑपरेशन शक्ति 98 दिया गया था नाम, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट सेकंड, भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास है। न्यू स्टार्ट संधि क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि थी, किस किसके बीच हुई थी, न्यू स्टार्ट संधि, ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना रूस
और अमेरिका। एक बात याद रखिए, जो सी थे वो धुआं था आपका, वो एक तरफ थे अमेरिकी शक्तियां, दूसरी तरफ थी सोवियत संघ, जिसे आज आप रूस कहते हैं, इसके कुछ मिला के देश थे। इन दोनों के बीच चला, आपने देखा है कि 1991 में खत्म होता है, रूस विघटन हो जाता है रूस का, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो उस समय भी दोनों में बड़ी, आज जैसे चाइना और अमेरिका में लड़ाई देख रहे हैं ना, युद्ध टाइप का, व्यापार को लेकर, कई मामलों को लेकर, इसी तरह का उस समय भी इस तरह का देखने को मिलता था। ऑपरेशन पवन का संबंध है श्रीलंका के जाफना में IPK ऐप ऑपरेशन से, ठीक है। इससे भी आपके क्वेश्चंस बनते रहे। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक, मशीन गन का आविष्कार किसने किया था? और वैसे भी आपको दैनिक जीवनचर्या में हर जगह देखते हैं, और वैसे भी आप लोग जनरल नॉलेज के लिए भी तो इन्हें याद रख सकते हैं, कोई भी आपसे पूछ लेगा कि मशीन गन का आविष्कार किसने किया था। जेम्स पकल द्वारा, जेम्स पकल द्वारा। थर्मोस्कोप, प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, किसने? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने में। विश्व की विशालतम दूरबीन है IceCube, ठीक है। सम्मिलित हैं ये आपके टाइपराइटर, सोल्स, इसके आविष्कारक हैं रेडियो, मार्कोनी, सेप्टिलेम, डेवी। विलहेम रोएंटजेन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का, एक्सरे मशीन का, इसे भी याद रखिए। अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता है विलियम हेनरी ब्रेग। आप समझ रहे हैं, बाप बेटे दोनों को एक साथ दिया गया था। आविष्कारक हो गए और ये आविष्कार हो गए। जॉन गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। माइकल फराडे डायनेमो। अलेक्जेंडर ग्राम बेल, ये आपको टेलीफोन देखने को मिलेगा, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। भाप के इंजन का आविष्कार किया, अगर आप पूछे तो जेम्स वाट ने। टेलीफोन का आविष्कार आपसे पूछे तो ग्राम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर खोज की बात करें तो थॉमस एडिसन। कई बार फेल होने के बाद इन्होंने देखा था आपने कि सफल हुए थे, तो आप भी अपनी जिंदगी में इसे लागू कर सकते हैं, समझ रहे हैं। गैस इंजन की खोज किसने की थी? डेमलर ने। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? वाटरमैन। रडार का आविष्कारक था कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया डायनामाइट का, आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार इनकी याद में दिया जाता है। जे एल बेयर्ड का नाम जुड़ा हुआ है टेलीविजन के आविष्कार से, यानी कि कहने का मतलब है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मेमन ने। पेनिसिलिन के आविष्कारक थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की थी पेनिसिलिन की, ये एंटीबायोटिक है, आप समझ गए आप लोग। ये सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है, रेडियम, मैडम क्यूरी, चेचक, एडवर्ड जेनर, ये भी सम्मिलित है आपके वैज्ञानिक हुए आविष्कार। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, चार्ल्स डार्विन, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? एस चंद्रशेखर ने। आप समझ रहे हैं भारतीय थे। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था नक्षत्र भौतिकी के लिए, ठीक है। वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे राइट ड्रॉप ड्रॉप हर्ष बन जाते हैं, एस चंद्रशेखर थे आपके। विकास विद्युत प्रभाव के आविष्कार करता थे हर्ट्ज। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध थे विकास विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया विकास विद्युत प्रभाव के लिए, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसके लिए? विकास विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन की ई बराबर एमसी समीकरण, एमसी स्क्वायर समीकरण में सी घोतक है विकास की गति का, विकास गति का। अल्बर्ट आइंस्टीन निपुण थे वायलिन बजाने में, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया कई बार। भौतिकी में चतुर्थ आयाम आयाम का परिचय दिया था किसने? आइंस्टीन ने। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था किसे? केवी फ्रिस्क को। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1930 में, ये भी आपके भारतीय थे, और आपको मालूम होगा शायद कि रमन प्रभाव के लिए ने दिया गया था। 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में, इन्हीं की जन्म डेट को, ठीक है, एक तरह से रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में आप लोग 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, रमन प्रभाव ने की थी इसकी खोज, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है फरवरी 28 को। वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई सीवी रमन की।
हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र आधारित है एस रामानुज के जीवन चरित्र पर। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था जेवी नार्लिकर ने। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है होमी भाभा पुरस्कार दिया जाता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। स्टीफन हॉकिंस एक वैज्ञानिक थे, कुछ समय पहले आपने इनकी मौत भी हो चुकी है। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है जगदीश चंद्र बोस ने। जब भी आपको लगने लगे कि आपको में कुछ आपके पास सुविधा नहीं है तो आप स्टीफन हॉकिंस को देखिए। आप लोग ये पूरी तरह से विकलांग, एक तरह से कुछ नहीं करने वाले, फिर भी इतना नाम कर गए। तो समझ रहे हैं, जो आपके पास है काफी है। वो कहते हैं ना कि आप कहते हैं जूता नहीं है हमारे पास, उनके बारे में सोचिए जिनके पास पांव भी नहीं है। समझ रहे हैं, वो एक गाना भी है मेरा दुख दुनिया से कम है। जो भी हो आप लोग गाते रहिएगा, सुनते रहिए। ये भी आपके सुन लेते हैं, डॉक्टर राजा रमन्ना नाभिकीय भौतिकी, डॉक्टर एम स्वामीनाथन ये आपकी कृषि विज्ञान से संबंधित हैं, डॉक्टर प्रोफेसर यू आर राव अंतरिक्ष अनुसंधान, प्रोफेसर मेघनाथ साहा ये ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित, भारत में अणु बम के विकास से संबंधित हैं राजा रमन्ना, हरगोविंद खुराना सीवी रमन और एस चंद्रशेखर, जगदीश चंद्र बोस ने नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो आप जानते हैं जगदीश चंद्र बोस नहीं है, ठीक है। हरगोविंद खुराना को भी मिला है, सीवी रमन को भी मिला था, एस चंद्रशेखर को भी मिला था। प्रसिद्ध भारतीय भौतिक डॉक्टर बी सीवी रमन को उनके कार पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था खुराना साहब ने। उसमें यह आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम एन साहा की, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट स्टेज पर, विविध के बारे में भी जान लेते हैं, कुछ जो आपके पॉइंट छूट गए होंगे वो यहाँ भी शामिल हो जाएंगे। भौतिकी की वह शाखा जिसके अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है एक क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है, ठीक है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है, साइबरनेटिक्स। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसन, क्या है हिग्स बोसन, ये आपके सम्मिलित हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। पिकासिक फाइबर, विकास तरंगे, एंड्रॉयड, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो आप लोगों को बेहतर मालूम होगा। बेहद हेडॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, लाल ग्रह, मंगल को कहते हैं, ठीक है। नवीनतम एंड्रॉइड चल दूर दभास प्राचीन पद्धति 6.0 के नाम है मार्स मेलो। समय मापक विज्ञान क्या है हॉरोलॉजी। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है ट्राइबोलॉजी। विज्ञान का वह क्षेत्र जिसमें ब्राइट डिफार के बारे में सीखेंगे खगोल शास्त्र, क्या है खगोल शास्त्र। वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश की नीली तरंगें बैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक विकिरित होती हैं जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है ना कि बैंगनी, ये आपका गलत है। गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है, सही है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। उपयुक्त में से असत कथन चुनना था, गलत कथन तो आपको बताया ना, बी गलत है और ए बी सी सॉरी ए सी बी ए सी डी सही है, बी लेकिन इसमें गलत है, ठीक है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे महाराष्ट्र में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में महाराष्ट्र में। लेजर का पूर्ण नाम क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूरा नाम है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में देखने को मिलेगी। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, यूरी गागरिन।
विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो ये थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चंद्रमा एक है उपग्रह पृथ्वी का। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक तकाशी हिरोज है। याद रखिए, अभी आप देखेंगे कि आपके शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, फिर बृहस्पति के, ठीक है, पहले बृहस्पति के थे, सम्मिलित हैं, आपको बस याद रखना है। रिवॉल्वर, इसकी खोज किसने की थी? सैमुअल कोल्ट। डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबल। शीतलता, न्यूटन का नियम। दाब का नियम, पास्कल। ठीक है, वह एगुम जो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है, जिंक कार्बन। जिंक कार्बन GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GPS प्रयुक्त होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए। ATM से तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। श्याम वेवर है, सारे विकिरण जो इसके पास से प्रभावित होते हैं और उनका अवशोषण करते हैं। ठीक है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। सूर्य से दूर की ओर। अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन स्टार्स। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है 3%। 21वीं शताब्दी की वह तकनीक थी जो लघु रूपण में कमाल कर सकती है, नैनो तकनीक। क्या? नैनो तकनीक। नैनो कण का आकार होता है 1 nm से 100 nm के बीच। नैनो प्लेक संबंधित है एक छोटे सुनने के यंत्र से, सत्य है। नैनो कण द्वारा 60 dB तक कम ध्वनि की सुनाई देती है। इन्हें भी पढ़ लीजिए, सही कथन चुनना है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य औषधि प्रदान करना संभव कर दिया गया, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक योगदान योगदान दे सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, दोनों। आपके कथन बिल्कुल सही है। दोनों कथन कैसे हैं? बिल्कुल सही है। आगे है आपका एरोसोल, फिर बी है आपका 3D नेटवर्किंग, सी है आणविक विनिर्माण और डी है आपका लक्ष्य दवाएं। नैनो तकनीक के उपयुक्त तो उत्पादों उदाहरणों का नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ती क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा एरोसोल, उसके बाद आएगा लक्षित दवाएं, फिर आएगा आपका 3D नेटवर्किंग और सी आएगा लास्ट में आणविक विनिर्माण। ठीक है, ADBC, ADBC। इसे भी देख लीजिए, नीचे 2 वाक्यांश दिए गए। कथन ए, अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है, बिल्कुल सही है। कारण आर, ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वीय आकर्षण के कारण होता है। ए भी आपका सही है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। कैसा? गोलाकार। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल है डाभोल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है 2025। ये पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से, पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से। निम्नांकित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन ए, भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल सही है। कारण डबल का है, बड़ा का, भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, ये असत्य है। क्या है? बनाएगा, यानी कि कथन तो सही था लेकिन कारण इसमें गलत था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में आणविक विस्तार संधि NPT पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया, क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नीति है, यानी कि जो संधि है ये भेदभावपूर्ण संधि है, इसलिए हम लोगों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। निम्नलिखित देशों पर आपको विचार करना है, चीन, फ्रांस, भारत और इसराइल, पाकिस्तान। इनमें से वह जो परमाणु शर्तों के अनुसार विषेक संधि ट्रेटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे सामंतता परमाणु अभिसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी यानी कि NPT के नाम से जाना जाता है, कि मान्यता के अनुसार परमाणु संयंत्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट है, तो चीन और फ्रांस में, चीन और फ्रांस में। ठीक है, नैनो हमिंग बर्ड है, एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, नैनो हमिंग। ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 की विषय वस्तु थी खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन अभी जो करंट में आपकी हुई हो उसे याद रखा करिएगा जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं। CSR
CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 में मिला था CLRI को। ये भी आपका एक तरह से पुराना है, कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। DSTCSIR, ICSSR और DAI में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्था नहीं है, तो ये आपकी ICSSR नहीं है। बाकी आपकी DSTS, CSIR है और DAE भी है। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है हमारी हाथ के विभिन्न संचलन से। आपने देखी होगी कि उसमें बैटरी कुछ सेल नहीं डला रहता, हमारी नाड़ी से चलती है। कहते ना कि जब तक सांस चलती है तब तक ही वो चलती है, हमारा तभी तक साथ देती है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना बनाई जाने वाली है दक्षिणी फ्रांस में। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ग्रेविटी टेक्टर एक अंतरिक्ष यान है। ऐसे यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रह को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। ठीक है, परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का सदस्य नहीं है ईरान। ईरान नहीं है वह देश जिसने परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें भारत को नागरिक परमाणु संयंत्र की तकनीकी आपूर्ति की जा सकेगी। ये था फ्रांस। क्या फ्रांस? ठीक है, अभिकथन ए। CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। बिल्कुल सही है। कारण आर, उपयुक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्रविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण है सर्न। ये आपका सही है, यानी कि ए और दो दोनों सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है जाना। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द एंड आर्क ए है, क्या है? आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतरजलीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसमें आपको सही कथन देखना है। एन आई एफ केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। बिल्कुल सही है। एनआईएफ अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। ये आपका गलत है। राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत यानी कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया एनआईएफ के बारे में आपको सही कथन चुनना था, तो इसके बारे में पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, केवल एक कथन सही है। ये आपके सम्मिलित हैं, ये कंपनी हो गई, प्रमुख कार्य क्षेत्र उत्पाद हो गए। सेवरॉन, ये तेल से संबंधित है। AT&T टेलीफोन इंटरनेट। AMD सूक्ष्म संसाधित माइक्रो प्रोसेसर। एनरॉन एनरकॉन ये पवन ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, आगे पृथ्वी के वायुमंडल में आयन आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की तरंगदैर्ध्य अति दीर्घ होती है। इसमें ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों कथन आपके एक तरह से गलत है। ये आपके सम्मिलित हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या है सम्मिलित है? आकाश, जमीन से आकाश में मार करने वाला पिच्छेपास्त्र। बहुजन समाज पार्टी कांशीराम द्वारा बनाई गई थी, अभी आप जानते हैं मायावती के अंडर में ये पृथ्वी। जमीन से जमीन पर मार करने वाले पिच्छेपास्त्र मिराज 2000 ये लड़ाकू विमान है आपका। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में। ठीक है, दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, भारत के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित शोध स्टेशन कहलाती है भारतीय। क्या कहलाती है? भारतीय। ये सम्मिलित है आइसोबार, वायु दाब को मापता है, आइसो हाइट ऊंचाई को मापता है, आइसो हेलाइन लवणता, आइसोबार गहराई। ठीक है, किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है पैक्नोक्लाइन। पैक्नोक्लाइन जगुआर, डोर्नियर 228, सारद तथा मेक 27 एम में से एक वायुयान नहीं है, तो सारद नहीं है, सारद नहीं है। बाकी जगुआर भी है, डोर्नियर 228 भी है, मिग 27 यानी कि एम, मिग 27 एम भी है। ठीक है, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूं यह उक्त कथन से किसे दिया था? कल्पना चावला ने, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्ष में गई हुई थी। ठीक है, प्रथम भारतीय
पानी संयंत्र स्थापित किया गया था नांगल में। लोहे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम और सीरियम में से कमरे के तापमान पर द्रव रूप से रहती है, तो आप देखेंगे फ्रेंसियम। धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, एल्यूमिनियम। निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबे, तांबा में से विद्युत अचुंबकीय है, तांबा। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ, किसकी तरफ, उत्तर की तरफ। टैप रिकॉर्डर की टैप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूड़ से, इसे भी याद रखिए। टैप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है किसी फेरोमैग्नेटिक चूड़ से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर, दाब विद्युत प्रभाव पर। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक, घड़ी के लोलक के समतुल्य ऊर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित का, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है अनुपयोग आंकिक प्रदर्शन में है। मॉडेम की एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। समुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। वर्जिन इस 75 वीडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है। इन कथनों में से कौन सा सही है, तो आप देखते हैं कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है, पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। द्रव द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में और पॉकेट कैलकुलेटरों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आपका सही सम्मिलित है, बस आपको याद रखना है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है, आपको गोवा में देखने को मिलेगी। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र कहाँ हैदराबाद में देखने को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी समुद्री प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, चेन्नई में देखने को मिलेगा। अंटार्कटिक स्टडी सेंटर, ये आपको गोवा में देखने को मिलेगा, अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र। गोवा तो आप वैसे भी जाते रहते हैं, समझ रहे हैं, घूमने के लिए। सम्मिलित करना है आपको, ये सम्मिलित है, बस आपको पढ़ना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा, तिरुवनंतपुरम में। ISIO उपग्रह केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा, बेंगलोर में। SHAR केंद्र कहाँ मिलेगा, श्रीहरिकोटा में। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ देखने को मिलेगा, अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ये भी सम्मिलित है आपकी। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा, वाराणसी में, इसे अच्छे से याद रखिए। तिब्बत आप तिब्बतन देखकर आप तिब्बत मत लगा देना, जम्मू कश्मीर या लद्दाख, ठीक है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा, बेंगलुरु। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ देखने को मिलेगा, हैदराबाद, ठीक है। ये सही सम्मिलित जोड़ियों में आ जाते हैं आपके सिविल सर्विस में, और वैसे भी आपका अगर वन डे एग्जाम की बात की जाए तो वन लाइनर में पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है, कहाँ है, बेंगलोर में, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी कहाँ एंड योगिक साइंस कहाँ स्थित है, मुंबई दे देगा, दिल्ली दे देगा, गुजरात दे देगा, समझ रहे, बेंगलोर दे देगा, तो आपको लगाना होगा बेंगलोर, सम्मिलित करना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्मा तिरुवनंतपुरम में। साइंस सिटी कोलकाता, हाईटेक सिटी हैदराबाद, ठीक है। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो पीती 300 मिलियन वर्षों से केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है स्ट्रॉन्शियम परमाणु का, ठीक है। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे केपलर द्वारा। चुंबकीय अनुवाद अनुनाद बिंबीकरण आधारित है नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। सोलेक्स होता है सौर रिक्शा, ठीक है। अगर आपको, मुझे लगता है कि बेहतर स्कोर करना है किसी भी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो आपको 5 से 6 साल पुराने पेपर देख लेना चाहिए, आपको पैटर्न समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है आप बेहतर क्वेश्चन बनाना और सॉल्व करना सीख जाएंगे, ठीक है। साइटोट्रॉम ऐसा संयंत्र है जिसमें उत्पन्न किया जाता है किंतिम मौसम, किंतिम मौसम। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था रुड़की में, कहाँ, रुड़की में। भारत में मैट्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई 1/4/1957 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1957 को। टैकियान से तात्पर्य है विकास की गति से तीव्र गति वाली कण, ये भी सम्मिलित है आपको याद रखना है। व्यक्ति हो गए कैसे जाना जाता है। जॉन सी मेथर भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2006 के विजेता है।
माइकल ग्रेफिन नासा के प्रशासक हैं, पॉल जी एलन माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, पियर सेलर्स ये अंतरिक्ष पदयात्री हैं। ठीक है, राजा रमन्ना के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कथन चुनना है। आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक की टीम का वह निर्देशन अधिकारी था कौन थे? राजा रमन्ना साहब, सही है। 1976 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था, ये भी सही है। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री भी बनाया गया था, ये भी सही है। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन भी किया था। उपयुक्त में से सही कथन चुनना है, तो इसमें आप चारों कथन आपकी बिल्कुल सही है। चारों कथन कैसे हैं? बिल्कुल सही है। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग उपयोग किया जाता है खदानों में की बेधन में खदानों की बेधन में यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य अन्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलीफैक्स। क्या कहते हैं? टेलीफैक्स। लेजर बीम का उपयोग होता है आपकी चिकित्सा में, आपकी चिकित्सा में सम्मिलित करना है आपको। शुष्क परत ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जीन थेरेपी रक्त रोगों का उपचार करती है। क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। कोबाल्ट 60 आपका कैंसर के उपचार के लिए उपयोग आता है। खनिज मिनरल है एक अकार्बनिक ठोस। सत्य कथन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही खराब गैस है। प्रति ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, एटम बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन परमाणु बम। ठीक है, बस 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम। iPhone 4S की अन्य विशेषताएं, इसमें 300 घंटे तक स्टैंड बाय 22 समय है। इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें बाड़ी पहचानने वाला बात करने वाला सहायक है। इसमें 640 MB का रैम है। उपयुक्त में से सही कथन चुनना है, तो 2 और 3 सही। इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें वाणी पहचान वाला बात करने वाला सहायक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा आपके, अगर पूछता है तो थोड़ा बहुत याद रखिए। प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण एक प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया गया है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह और बेसिनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रक व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने का समर्थन देने का निर्णय किया है। इसके बारे में सही कथन चुनना है आपको। ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक और जैविक हथियारों के विघटन में सहायक होने के जोखिम की न्यूनीकृत करना, जबकि वेस्टनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह की है जिसके समान लक्ष्य हैं। ये आपका गलत है। ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वेस्टनार व्यवस्था के सहयोगी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। इसमें आपके ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। क्या है? दोनों कथन आपके गलत है। सम्मिलित करना है आपको। क्या करना है? सम्मिलित ऊर्जा का रूपांतरण युक्ति विक्रम। ऊष्मा से विद्युत ये सौर सेल का काम है। विद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर। रासायनिक से ऊष्मा एवं विकास ईंधन दहन। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। क्यों होता है? पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है। पॉलीग्राफ टर्बाइन रिएक्टर रेडिएटर क्वाड्रेंट युक्तियों में मोटर गाड़ियों में के इंजन को ठंडा करने के प्रयोग में लाया जाता है रेडिएटर। क्या है? रेडिएटर। तो मुझे लगता है कि इतना फिजिक्स के लिए काफी है। कंप्यूटर साइंस पढ़ लिया आप लोगों ने, साइंस टैग भी आपका सम्मिलित करवा दिया गया है इसमें, तो इतना काफी है। ठीक है, तो आपका यहाँ आपका हो जाता है फिजिक्स भी लगभग कंप्लीट हो जाती है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाती है और बायोलॉजी भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। चलिए आगे हम लोग मिलते हैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी में। इससे भी आपके क्वेश्चन हमेशा बनते रहे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं इससे। ठीक है,